सो हेलो गाइस, अभी आप लोग ने मॉक दिया आईडीबीआई का, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या डिस्कस करूँगा, जो भी डीआई के क्वेश्चन है, राइट? इसमें आप लोग ने देखा होगा कि 10 सवाल डीआई वाले जो हैं, राइट, जो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के साथ में, आई विल डिस्कस दोज, प्लस जो 40 क्वेश्चन क्वांट के हैं. तो टोटल 50 सवाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट स्टार्ट, लेट सी द फर्स्ट सेट. या तो दिस वॉज द फर्स्ट सेट गाइज, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 to 55. बार ग्राफ शोज फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी एंड द कार्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्स एंड वाई, राइट? एंड देन द फर्स्ट बार ग्राफ इज गिविंग टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड, सेकेंड बार ग्राफ इज गिविंग, और द सेकेंड लाइन ग्राफ इज गिविंग द नंबर ऑफ वाई कार्स मैन्युफैक्चर्ड आर हाउ मेनी परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ एक्स कार्स मैन्युफैक्चर्ड, राइट? तो बेसिकली हम लोग कर क्या सकते हैं टू फाइंड आउट द डेटा एंड ऑल. एक बार आगे क्वेश्चन पे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 51 लिखा हुआ है, टोटल टाइप वाई कार प्रोड्यूस बाय कंपनी इन 2011-12 इज हाउ मच मोर देन टोटल वाई टाइप कार्स इन 14-16. मतलब मैं वाई की वैल्यू 14-16 की निकालनी है, 11-12 के भी निकालनी है, इन अदर वर्ड लगभग हर साल के निकालनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. इस सवाल में हमें एक्स के लिए 11-12 का भी निकालना है, 13-15 का भी निकालना है. तो बेसिकली हमारे पास टोटल 5 सवाल हैं. सो आई बिलीव बेटर ये रहेगा कि हम पहले से ये सारी वैल्यूज एक साथ कैलकुलेट कर लें, फिर उसके बाद जब हमने एक बार हमने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, उसमें क्या होगा कि हमें सवालों के लिए वापस से सेम चीज़ें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेंगी. फिर हम करेंगे क्या कि सीधी सीधी वैल्यूज उठा के सवाल सॉल्व करते जाएंगे, राइट? तो एक बार जरा डेटा पे आते हैं वापस से. तो ये इंफॉर्मेशन गिवन थी, पहला जो बार ग्राफ था वो नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस, दैट इज फॉर टोटल, राइट? तो इसकी मैं टेबल यहां पे बना लेता हूं, राइट? ओके, सो इसकी टेबल बनाता हूं मैं. सो बेसिकली सबसे पहले एक तो हमारे पास ईयर्स है, तब तक आप लोग डेटा पढ़िए, तब तक मैं टेबल बना लेता हूं. डिफरेंट ईयर्स हैं, ईयर्स आर, सिक्स ईयर्स आर देयर, 2011, 12, 13, 14, 15 एंड 16, राइट? ये इंफॉर्मेशन गिवन थी. ओके, फिर उसके बाद वील सी कि टोटल नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड, वो मैं बार ग्राफ से पता चल रहा है. अच्छा, यहां पे देखो, जैसे 700 और 800 के बीच में टोटल जितना भी 100 का गैप है, उसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है. छोटी छोटी लाइन दिख रही ना, तो इसे अगर 5 पार्ट में 100 को डिवाइड किया गया है, तो 1 पार्ट की वैल्यू 20 होगी, राइट? सो वापस से जरा डेटा पे जाते हैं. सो 1 पार्ट की वैल्यू 20 होगी. तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, इस सारे की सारी वैल्यूज लिखूंगा. तो 2011 में टोटल कितना है, 7 से 1 पार्ट ऊपर है, तो इट इज 720. 2012 में टोटल कितना है, कैन आई से 900 से 3 पार्ट ऊपर है, तो इट विल बिकम 960. 2013 में इट इज एग्जैक्टली 1100. इन 14 इट इज अगेन 1260. इन 15 इट इज 1320. एंड इन 2016 वैल्यू क्या गिवन है, 940, राइट? तो इस तरह से हमें बार ग्राफ देखना आता है किस तरह से वैल्यू. तो जो दो पतली वाली लाइन बनी हुई है, उनके बीच का गैप 20 है. इसके बाद परसेंटेजेस वैल्यूज गिवन है. जैसे ये लिखा हुआ है 2011 में वाई कितना परसेंट ज़्यादा था एक्स से, राइट? लिखा हुआ है 25%. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार अगर मैं रेशियो निकालूं, एक बार बोर्ड दिखा देंगे प्लीज. तो अगर मैं रेशियो निकालूं एक्स टू वाई, तो तब हम लोग कर क्या सकते हैं, वाई की जो वैल्यू है वो एक्स से 25% ज़्यादा है. मतलब अगर मैं एक्स 4 यूनिट ले लूं, तो इससे 25% ज़्यादा है, मतलब 1 पार्ट ज़्यादा है, तो इट विल बिकम 5. और मैंने 4 क्यों लिया हुआ था, द रीज़न वॉज क्योंकि इसका 25% कैलकुलेट करना आसान रहता है. येस, अग्री? इसी तरह से हम हर साल का निकाल सकते हैं. तो फिर से ज़रा इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, एक बार ट्राई करिए आप लोग, तब तक मैं बनाता हूँ बैकग्राउंड में, राइट? अब जैसे 2012 में कितना है, 40% ज़्यादा है, वो 2/5 होता है. मतलब अगर मैं एक्स 5 यूनिट ले लूँ, तो वाई बन जाएगा 7 यूनिट, राइट? 2013 में क्या है, 50% ज़्यादा है, तो अगर x में 2 यूनिट ले लूँ, तो y आ जाएगा 3 यूनिट. 2014 में कितना, 10% ज़्यादा है, तो अगर मैं x को 10 यूनिट ले लूँ, तो y आ जाएगा 11. 2015 में 40% ज़्यादा है, राइट? अगेन कहने से रेशियो 5:7, x को 5 यूनिट ले लो, y आ जाएगा 7 यूनिट. 2016 में
35% आ रहा है। अच्छा 35% को हम लिख सकते हैं 7/20। तो अगर मैं x की वैल्यू 20 ले लूं तो उसको 7 बढ़ा दो, y कितना आ जाएगा 27। या बोर्ड दिखा देंगे प्लीज। ओके सो गाइस सिंस वी अगेन तो वी कुड इजीली फाइंड आउट द रेशियो ऑफ x टू y फ्रॉम द सेकंड बार ग्राफ, फ्रॉम द सेकंड लाइन ग्राफ, राइट, और द ओनली लाइन ग्राफ। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट क्योंकि हमें यहां पता है टोटल 720 है, रेशियो 4:5 है। तो अगर x 4 पार्ट है, y 5 पार्ट है, तो बेसिकली हम लोग कर क्या सकते हैं, इनका सम हुआ 9 पार्ट्स, 9 पार्ट्स की वैल्यू 720 है, तो 1 पार्ट हुआ 80 के इक्वल। सो 4 पार्ट आ गया 320 एंड 5 पार्ट आ गया 400। अग्रीड। इसी तरह सेम काम हम हर जगह कर सकते हैं। यहां कहने से टोटल 12 पार्ट इज 960, 1 पार्ट की वैल्यू 80, तो यह आ जाएगा 400 एंड 560। अग्री। नेक्स्ट थिंग, कैन आई से इन दोनों का सम कितना हुआ 5, 5 पार्ट की वैल्यू 1100 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू होगी 220, तो ये आ जाएगा 440 एंड 660। अब जरा यहाँ पे देख लेते हैं, 20 सम कितना हुआ 21, 21 पार्ट की वैल्यू 1260 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू 60 आई, तो कितना बनेगा 600 एंड 660। वापस आते हैं यहाँ पे, सम 12 है, 12 पार्ट की वैल्यू इतनी है, तो 1 पार्ट की वैल्यू 110 होगी, तो ये बनेगा 550 और ये बनेगा 770, राइट। उसके बाद लास्ट वाला, इन दोनों का सम 47 हुआ, 47 पार्ट की वैल्यू इतनी है, तो 1 पार्ट की वैल्यू 20 बनेगी और ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा 540। अग्रीड। तो अब एक काम करते हैं, जरा वापस सवालों में जाते हैं, देखते हैं जरा हाउ टू सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज, 51 क्वेश्चन। या तो सवाल पढ़िए आप लोग, बहुत आसान है, एक बार हमने सारी वैल्यू लिख ली, अब ये बहुत ज्यादा आसान बन जाता है। लिखा है टोटल वाई कार्स इन 2011-12 टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वाई टाइप कार्स इन 2014-16 टुगेदर। तो हमें वाई देखना है हर बार, पहले हमें 11-12 देखना है, तो पहले 2 साल का हमें देखना है इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 960 आ रहा है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल y कार्स इन 14-15 देख लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, सो गाइस बेसिकली हमारे पास आएगा क्या, ये नो इन 14-16 है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 14-15 नहीं है 16 है, तो ये हमारे पास आएगा 1200 इंटू 100%, आप चाहो तो ये कर लो, तो इससे इसको डिवाइड किया, 12 × 8 होता है 96, आर आंसर इज 80%। तो कौन सा आंसर ऑप्शन हम लोग मार्क करेंगे यहाँ पे, सी फॉर कैलकटा। अग्री। वही चीज़ है, एक बार हमने पूरी इन्फॉर्मेशन लिख ली तो पांचों सवाल सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं जरा, तो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एक्स टाइप कार्स इन 11-12 टुगेदर। तो 11-12 टुगेदर अगर मैं देखूँ, इन दोनों का सम हमें देखना है, सो इन दोनों का सम अगर मैं निकालूँ, कहने से 720 आया इस टू टोटल एक्स टाइप कार इन 13-15। 13 में कितनी है 440, 15 में कितनी है 550, राइट। कहने से 0 से 0 550 + 440, ये हमारे पास आएगा 990। अग्री ना। इन दोनों का सम कितना बनेगा गाइस, 440 + 550 = 990। कहने से 0 0 कैंसिल, 9 से डिवाइड कर लो, तो हमारा आंसर आएगा 8:11। अग्रीड। So that's our answer here guys. Which answer option should we mark here? D for Delhi. Next question. Okay. लिखा हुआ है in 2017. पहली चीज, हमारे पास information केवल 16 तक की है. लिखा हुआ है in 2017 the total cars increased by 35%. तो जो total है ये 35% से बढ़ रहा है. हम बढ़ा के यहाँ पे नई value निकाल सकते हैं 2017 की. यहाँ पे जो भी आएगा वी कैन फाइंड दैट आउट, क्योंकि इसे 35% से बढ़ाना है। वाइल एक्स टाइप इंक्रीज्ड बाय 62%, तो मैं एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे भी ये कितना आ रहा है निकाल सकते हैं, इसको 62% से बढ़ा देंगे, तो हमें ये पता लगाना है वाई में चेंज कितना है। तो कहने से वाई की ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों ऐड होके इतना बनना चाहिए, तो इससे इसको सब्ट्रैक करोगे ये भी पता चल जाएगा। अब सिंस हमें वाई की नई वैल्यू पता है 2017 की, 16 की भी पता है, वी कैन इजिली कैलकुलेट द परसेंटेज, राइट। बट उतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, उतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
हमें ये पता है, जैसे यहाँ पे जो इंक्रीज हो रही है, सवाल में क्या दिया हुआ है, टोटल में 35% इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 62% इंक्रीज हो रही है, तो हमें ये पता लगाना है यहाँ पे इंक्रीज कितने परसेंट की हो रही है, राइट, दैट द क्वेश्चन हियर। बट कहने से ये दोनों कंबाइन होके ये बन रहा है, एक्स और वाई कंबाइन होके तो टोटल बन रहा है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं, एक बार क्वेश्चन हटाएंगे प्लीज। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेट सी दैट गाइज। आई विल राइट हियर एक्स, आई विल राइट हियर वाई। यहाँ पे इंक्रीज जो हो रही है एक्स में 62% है, वाई में इंक्रीज क्या है मैं नहीं पता, लेकिन ओवरऑल जो इंक्रीज हो रही है वो हमें पता है 35% है। एलिगेशन में क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस हम यहाँ लिखते हैं, ये कितना आया 27, राइट। अच्छा बाय द वे एक्स टू, अब ये जो भी रेशियो आएगा वो इनकी बेस वैल्यू का आएगा, मतलब 2016 में क्या रेशियो था, 2016 में रेशियो क्या था, 20:27। अब अगर यहाँ 27 आ रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ 20 आएगा, बेस वैल्यू का ही तो रेशियो आता ना एलिगेशन से, 20:27। अच्छा यहाँ 20 आएगा, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसमें और 35 में डिफरेंस 20 का होगा, और सिंस 62 जो है वो 35 से ज़्यादा है, तो इधर जो भी वैल्यू आएगी वो 35 से कम आएगी, कितनी कम आएगी, 20 कम आएगी, मतलब हमारा सीधा आंसर 15% है। गाइस 10-12 सेकंड का सवाल था ये, पूरी की पूरी कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, पर उसके लिए हमें सबसे पहले ये टेबल बनानी पड़ेगी, फिर हमें देखना होगा कि यस वी कैन अप्लाई एलिगेशन, आर आंसर इज 15%, दैट्स इट। तो ये पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वाई टाइप कार्स इन 2011, 2013, 2015। ओके, 11 में कितनी है, 400। एवरेज कैसे निकालते हैं, ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तीन नंबर है, 400 प्लस 660 एंड फिर 15 निकालना है हमें, दैट इज 770, ऐड कर लेते हैं, राइट। 400 प्लस 660 1060 प्लस दिस, आई बिलीव ये हमारे पास बनेगा 1830। 3 से डिवाइड करो, हमारा आंसर आया 610, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा है, इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इन 2012 20% ऑफ वाई टाइप कार्स आर डिफेक्टिव एंड 2014 30% ऑफ वाई टाइप कार्स आर डिफेक्टिव। तो हमें यह पता लगाना है इन दोनों साल में टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव वाई टाइप कार्स। तो सीधी सी बात है यहां पर, तो हमें ये पता है कि जैसे कि इन 2012 20% डिफेक्टिव हैं, तो ऐसी कितनी कार्स हैं जो डिफेक्टिव नहीं हैं आउट ऑफ दिस 560, कैन आई से 80%। तो नॉन डिफेक्टिव कितना हो गया इसका 80%, हम लोग बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2014 में 30% डिफेक्टिव हैं, तो नॉन डिफेक्टिव कितनी होंगी, 70%। ये दोनों वैल्यू निकाल के सीधा ऐड कर लेंगे, तो ज़रा देख लेते हैं, कहने से ये दो जीरो से ये दो जीरो हटाए, ये दो जीरो से ये दो जीरो हटाए, इधर जरा कैलकुलेट किया, 56 इंटू 8 हमें निकालना है, 50 इंटू 8 होता है 400, 6 इंटू 8 होता है 48, तो 448 आया। यहाँ पे 7 इंटू 60 420 प्लस 42, आई बिलीव हियर वी गॉट 462। नाउ इन दोनों को हमें प्लस करना है, ऐड करके देख लेते हैं, यहाँ पे ये दोनों ऐड होके 800 बन रहे हैं, ये 110 बन रहा है, मतलब हमारी वैल्यू आई 910। एक बार आंसर ऑप्शन देख ले, क्वेश्चन दिखा देंगे प्लीज। तो कौन सा आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे, बी फॉर बॉम्बे, अग्रीड गाइस। चलो तो ये था हमारा पहला सेट, बहुत आसान, बट हमें पहली बार में करना क्या पड़ा, पूरा का पूरा डेटा लिखना पड़ा, राइट। तो एक बार अगर हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लिख लें, फिर उसके बाद क्या होता है, एक तो हमें रेपिटेटिव कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है, तो फटाफट वैल्यूज आ रहे हैं, राइट। एनीवे आई रिमूव ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दिस वॉज आर फर्स्ट सेट। अब जरा सेकेंड सेट देखते हैं, सेकेंड सेट में अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ो, राइट, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पर्संस, राइट, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन 5 डिफरेंट कंपनीज। तो 5 डिफरेंट कंपनीज है टोटल नंबर ऑफ पर्सन या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, फिर उसके बाद रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल है 5 कंपनीज ए बी सी डी ई में, मतलब कहने से ये तो वैसे ही है जैसा पिछली बार था। पिछली बार भी क्या था, एक तो टोटल कार्स गिवन थी, फिर उसके बाद एक्स और वाई, वाई कितना परसेंट ज़्यादा एक्स से, तो अल्टीमेटली हमने रेशियो निकाला था। सो इन अदर वर्ड पिछला सवाल और ये सवाल सिमिलर है, उसमें बार ग्राफ बना था, इसमें नहीं है, तो डजंट मैटर ना। वैसे भी ये मैटर नहीं करता है किस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन गिवन है, व्हाट मैटर्स इज किस तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो आई होप आप लोग ये सॉल्व कर लोगे, बट स्टिल मैं इसे
सॉल्व कर देता हूँ, राइट। तो तब तक आप लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ो, राइट। तो लेट सी दैट, सबसे पहले कंपनी, राइट, यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज, मेल फीमेल का रेशियो में ऑलरेडी पता ही है, सो आई विल डू मेल्स एंड फीमेल्स, आई विल जस्ट फॉर्म अ टेबल हियर एंड आई विल राइट द एग्जैक्ट वैल्यू। अच्छा, कंपनी ए, बी, सी, डी एंड ई, इन कंपनी ए टोटल एम्प्लॉयज हैं 45,000, वहाँ मेल और फीमेल के बीच का रेशियो 4:5 है, राइट, मतलब 9 पार्ट, तो कहने से मेल 20 हो गए, फीमेल 25, राइट। आपको रेशियो से एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी आती है। इन कंपनी बी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 54,000, राइट, और यहाँ पर रेशियो गिवन है 2:1, मतलब मेल 36,000 होंगे और फीमेल 18,000 होंगे। इन कंपनी सी कहने से टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 72,000 और यहाँ मेल फीमेल का रेशियो गिवन है 5:3, मतलब क्या हुआ, कहने से 8 पार्ट की वैल्यू हुई 72,000, 1 पार्ट की वैल्यू 9, तो ये आ जाएगा 45 and 27। नेक्स्ट, इन कंपनी डी कहने से रेशियो बेसिकली 60,000 टोटल एम्प्लॉयज हैं और मेल फीमेल का जो रेशियो गिवन है वो गिवन है 3:2, मतलब क्या हुआ, 36 मेल 24 फीमेल। नेक्स्ट, कहने से फॉर कंपनी ई जो मेल फीमेल का जो रेशियो गिवन है दैट इज 36,000, रेशियो 5:7 है, तो लोग बोल सकते हैं 15,000 मेल्स हैं एंड 21,000 फीमेल हैं। तो दीज आर बेसिकली, ये पूरी इंफॉर्मेशन हुई, एक बार डेटा हटा देंगे प्लीज। या सो गाइज, इन द मीन टाइम जो आप लोगों ने डेटा देखा, मैंने सारी के सारी इंफॉर्मेशन लिख ली यहाँ पे, राइट। अब जरा देखते हैं, पहले सवाल पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। द फीमेल्स इन कंपनी ए एंड सी टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द मेल्स इन कंपनी बी एंड डी टुगेदर। तो फीमेल्स इन कंपनी ए एंड सी टुगेदर, इन दोनों को ऐड करो, कितना आया, 52। आर व्हाट परसेंट ऑफ द मेल्स इन कंपनी बी एंड डी टुगेदर, तो इन दोनों का सम कितना हुआ, 72। हमें यही चीज कैलकुलेट करनी है, आप चाहो तो इनटू 100% लिखो या ना लिखो, इट डजंट मैटर ना। कहने से 4 से कैंसिल हो रहा है, ये आया 13 और ये आया 18, 13/18। अच्छा, अगर यहाँ 12/18 लिखा होता, राइट, तो हमारा आंसर 2/3 आता, मतलब 66.66, लेकिन उससे 1/18 और ज़्यादा है, मतलब उसमें 5.55 और ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा 72.22%। मैं क्या कर रहा हूँ, 12/18 होता तो हमारा आंसर होता 2/3, मतलब 66.67, लेकिन उसमें 1 और ज़्यादा है, तो 1/18 होता है, 5.55 ऐड कर दोगे और आंसर विल बी दिस मच, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेल्स इन कंपनी ई एंड ए टुगेदर इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल फीमेल्स इन कंपनी डी एंड सी टुगेदर। ना यहाँ परसेंटेज टर्म्स में हमें एब्सोल्यूट टर्म्स में निकालना है, एंड दैट टू इन थाउजेंड्स। नाउ गाइज, मैंने ये सारी के सारी वैल्यूज भी थाउजेंड्स में ही लिखी हैं, यहाँ 45 एम्प्लॉयज नहीं है, 45,000 हैं, यहाँ पे भी 20,000 मेल्स हैं, 25,000 मेल है, तो वी आर ऑलरेडी राइटिंग इन थाउजेंड और सवाल में भी थाउजेंड में पूछा हुआ है। सो मेल्स इन ई एंड ए टुगेदर, सो ई एंड ए के मेल्स जरा काउंट कर लेते हैं, इन दोनों का सम कितना हुआ, 35, राइट, इन दोनों का सम हुआ, मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक, 35, और उसके बाद फीमेल्स इन सी एंड डी, तो सी और डी में फीमेल्स कितनी हुई, इन दोनों का सम कितना हुआ, 51। तो कहने से इनके बीच का डिफरेंस पूछ रहे थे मोर और लेस, तो सीधा सा डिफरेंस कितना है, 16,000, तो कौन सा आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे, इट विल बी सी। अगला सवाल, या लिखा हुआ, इफ 1/3 ऑफ द मेल्स लीव कंपनी सी एंड ज्वाइन कंपनी डी, then find the ratio of the remaining employees in company C to the total employees in company D now. अच्छा, company C में males हैं कितने, 45, इसका 1/3 कितना होता है, 15, तो इससे अगर 15 लोग चले जाएं, तो 72 में से अगर 15 गया, right, तो C में इतने बचेंगे, और D में कितने बचेंगे, जरा देखते हैं, हमें ratio निकालना है ना। अच्छा, D में पहले लोग थे कितने, 60, अभी ये males चले गए इधर, तो 15 इधर आ गए, तो अल्टीमेटली क्या मैं बोल सकता हूँ, ये बन रहा है 57:75, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 19:25,
और ये हमारा कौन सा आंसर ऑप्शन है, इट इज ऑप्शन नंबर ई. अग्रीड, दैट्स इट गाइस. अगला सवाल प्लीज. हाँ, तो इसमें क्या है कि इन्होंने एक और नई कंपनी ले आए हैं जेड. इफ इन अनदर कंपनी जेड मेल्स आर 20% मोर देन द मेल्स इन कंपनी ए. तो जो जो लिखा हुआ है वो काम करते जाते हैं. बोल रहे हैं ए में मेल्स कितने हैं, 20. जेड में इससे 20% ज्यादा है. इसका 20% होता है 4, मतलब जेड में मेल्स हो गए 24. अग्रीड. फिर उसके बाद लिखा हुआ है एंड द टोटल एम्प्लॉयज इन कंपनी जेड टू सी इज 7:8, मतलब इनके बीच का रेशियो 7:8 है. राइट, जेड टू सी, सॉरी जेड टू सी रेशियो इज 7:8. अगर 8 पार्ट की वैल्यू 72 है तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 9. 7 पार्ट की वैल्यू होगी 63. तो यहाँ पे फीमेल्स कितनी आएंगी, इससे जरा इसको सब ट्रैक कर लेते हैं, कितना आया, 39. सवाल में क्या पूछ रहे हैं, देन फीमेल्स इन कंपनी जेड फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन दैट कंपनी. तो कहने से फीमेल जो है बेसिकली हमें ये कैलकुलेट करना है, 39 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 63. दैट्स इट. 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आई कैन राइट हियर 13/21 × 100%. अग्रीड. ना फिर से जरा लॉजिकली देखते हैं, अगर यहाँ 13 की जगह 14 लिखा होता, 7 से कैंसिल कर देते, 2/3 आ जाता, मतलब 66.67 अगर यहाँ 14 होता. अभी कहने से उससे हल्का सा कम होगा, 5% के आसपास लगभग और कम करना पड़ेगा. तो 66.67 से और कम करना है, तो कहने से कौन सा आंसर ऑप्शन मार्क करें, सी, 61 point something. अग्री, दैट्स इट. व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपनी बी सी एंड डी. अच्छा, बी सी डी, इन तीनों का हमें एवरेज निकालना है. ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, समेशन निकाला, 45 + 69 / 3, आर आंसर इज 23. डन. कौन सा ऑप्शन, ए. तो गाइज ये हमारे दो डीआई के सेट थे, दोनों में 5-5 सवाल थे एंड बोथ वर क्वाइट सिमिलर. राइट, एंड दोनों के साथ में क्या था कि ये दोनों ही एक स्पेशल टाइप ऑफ डीआई थे जहां पे हमें पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हमें पहले लिख के चले, देन इट बिकम्स अ लॉट कन्वीनियंट टू सॉल्व ऑल 10 क्वेश्चंस. राइट, अब आते हैं क्वांट वाले सेक्शन में और अगला सवाल देखते हैं जरा. क्वेश्चन नंबर 61 प्लीज. ओके, सो गाइस क्वांट के सेक्शन में आते ही सबसे पहले हमें क्या मिला, नंबर सीरीज, दैट टू मिसिंग नंबर. देखते हैं जरा हमारे पास, आई विल जस्ट राइट ऑल द टर्म्स हियर. 1945, 95, 1975, 177, उसके बाद क्या है, 299. राइट, और हमें ये पता लगाना है उसकी जगह नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा. एक बार हटा दीजिए इसको प्लीज, क्वेश्चन. ओके, लेट्स सी दैट. तो गाइस सबसे पहले कहने से कुछ बढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब इंक्रीज, इंक्रीजिंग सीरीज है, तो देख लेते हैं कितना ऐड हो रहा है. यहाँ से यहाँ जाने में सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कितना ऐड कर रहे हैं, तो इससे इसको सब ट्रैक कर दो. कितना आया, 26. यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड हो रहा है, 50. यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड हो रहा है, कहने से ये ऐड हो रहा है 82. यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड हो रहा है, 122. पता नहीं यार इनके बीच में क्या पैटर्न है, बट जरा फिर से देखते हैं. यार यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड हुआ, 24. यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड हुआ, 32. और यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड हुआ, 40. अब दिखा कुछ पैटर्न गाइज, यहाँ से यहाँ 8 बढ़ा. राइट, 8 की इंक्रीज. तो कहने से दोबारा 8 की इंक्रीज होकर यहाँ 48 आना चाहिए, 48 बढ़ना चाहिए. 48 अब अगर हमें बढ़ाना है तो 122 में 48 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 170. और 170 ऐड करो इसमें, तो कहने से 300 + 169 हमारा आंसर आ जाएगा 469. सो दैट्स आर करेक्ट आंसर. अग्रीड. क्वेश्चन दिखा देंगे प्लीज. तो कौन सा आंसर ऑप्शन मार्क करें, डी फॉर दिल्ली. अग्रीड. अगला सवाल देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 256, 128, 192 और क्या क्या है, 480, उसके बाद क्या है, 1680. राइट, उसके बाद चलो मैं नीचे लिख लेता हूं इस बार जो भी आएगा. राइट, अच्छा सबसे पहले लेट्स सी, कहने से यहाँ जाने में हाफ हो रहा है, 256 का आधा 128 होता है, तो हाफ हो रहा है मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अच्छा यहाँ से यहाँ जाने में डेढ़ गुना हो रहा है, या हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे इसको डिवाइड करोगे ये आएगा. यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, कहने से ये सिंपली 2.5 टाइम्स हो रहा है. 2.5 टाइम्स कैसे निकालते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो. जैसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे 960 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 480 आएगा.
और यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है 3.5 टाइम्स। आई बिलीव अब आप लोग गेस कर सकते हो कि अगले टर्म में क्या करेंगे हम लोग, यहां से यहां जाने में वील मल्टीप्लाई बाय 4.5, और 4.5 भी कैसे निकाले 9 से, इसको हम लिख सकते हैं 9/2, तो 9 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड किया 840, 840 इनटू 9, 84 इनटू 9 होता है 756, उसके आगे एक जीरो और लगेगा, कौन सा आंसर ऑप्शन सी फॉर कैलकटा, अग्रीड। अगला सवाल, ओके सो इस सवाल में जरा देख लेते हैं, किन से फिर से इंक्रीजिंग सीरीज बन रही है हमारे पास, टर्म्स लिख लेता हूं पहले मैं 119, 126, उसके बाद क्या है 134, देन वी हैव 146 एंड 167, राइट। सबसे पहले यहां से यहां जाने में ऐड हुआ 7, यहां से यहां जाने में ऐड हुआ 8, यहां से यहां जाने में ऐड हुआ 12, और यहां से यहां जाने में ऐड हुआ 23। अभी मैं कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है क्या चल रहा है यार, बट यहां से यहां देखो कैसे से ऐड हो रहा है 1, फिर ऐड हो रहा है 4, फिर ऐड हो रहा है 9। 149 क्या है, पहले तीन नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, तो नेक्स्ट हमें क्या ऐड करना चाहिए 16, 4 का स्क्वायर जो है, तो 23 में अब अगर हम 16 ऐड करें हमारे पास, सॉरी ये 23 नहीं है 21 है, सॉरी माय मिस्टेक, तो ये 21 है, तो 21 में अगर 16 ऐड करें इट विल बिकम 37, और 37 जरा इसमें ऐड करो राइट तो ये हमारे पास आ जाएगा 204, सो आर आंसर इज 204 राइट, ऑप्शन नंबर ए। अरे मैंने लिखा क्यों, उसी जगह पे अपने आप 204 लिखा हुआ था, एरो बना दूं, इसके बाद आएगा 204, अग्री 37 ऐड करने के बाद, या इसको थोड़ा और ऊपर बना देता हूं राइट, यू नो एनीवे आर आंसर इज 204 ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं जरा, ओके सो इस सवाल में क्या है 18, 32, उसके बाद क्या है 50, 72, 98 राइट। अब मैं पता लगा ना अगला टर्म क्या होगा, फिर से इंक्रीजिंग सीरीज है, जरा देख लेते हैं क्या ऐड हो रहा है। यहां से यहां जाने में सबसे पहले क्या ऐड हुआ, किने से सबसे पहले ऐड हुआ इसमें 14, यहां से यहां जाने में ऐड हुआ 18, यहां से यहां जाने में 22, यहां से यहां जाने में 26। तो अब मैं अपने आप पैटर्न देखा क्या, 4 की इंक्रीज, फिर से 4 से बढ़ाओगे कितना ऐड करोगे 30, हमारा आंसर आएगा 128। That's it guys, कौन सा आंसर ऑप्शन मार्क करें यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलकटा राइट। अगला सवाल, ओके सो व्हाट डू वी हैव हियर 32 66 35 72। अब मैं पता लगाना अगला टर्म क्या है राइट, उसके बाद 38 और गिवन है, नेक्स्ट टर्म में पता लगाना है, लेट्स सी दैट। अच्छा कहीं पे भी इस तरह की सीरीज हो राइट, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर कहीं इंक्रीज डिक्रीज दिख रही हो तो कहीं ऐसा देखो, कुछ ऐसा तो नहीं है कि ऑल्टरनेट टर्म्स में पैटर्न बन रहा हो, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कहने से यहाँ से यहाँ जाने में 3 ऐड हुआ, यहाँ से यहाँ जाने में 3 ऐड हुआ, सो यहाँ से यहाँ जाने में 6 ऐड हुआ, तो दोबारा से इसमें 6 ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर है 78। कौन सा आंसर ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, अग्रीड। तो ये 5 सवाल थे मिसिंग नंबर सीरीज के राइट, बहुत ही आसान थे राइट, वी ऑलरेडी डन दैट। अब आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या है, बेसिकली डेटा सफिशिएंसी वाले सवाल अब आ गए हमारे पास, तो उसमें हमें ये पता लगाना पड़ेगा, किसी सवाल को सॉल्व नहीं करना होता है, हमें केवल ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशियंट है हमें गिवन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए राइट। तो सबकी डायरेक्शन सेम रहेंगे राइट, तो इफ आई हैव टू अगेन लेट्स सी दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। या तो ए एंड बी बोथ आर क्रिकेट प्लेयर्स, फाइंड इन होल ईयर हु कॉट मोर कैचेस। पहले सवाल, पहला जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है इनका रेशियो 2:3 है, तो कहने से फर्स्ट अलोन इज सफिशियंट टू आंसर। अरे जब रेशियो ये है तो ऑब्वियसली बी ने ज्यादा कैच पकड़े। अब सेकेंड वाला देखा, सेकेंड वाला चेक किया तो उसमें लिखा है आफ्टर बी स्टॉप कैचिंग ए कंटिन्यू टू टेक कैच अंटिल ही गॉट 14 कैच। तो ए के टोटल कैचेस 14 है, बी के 14 से कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, सो दैट्स वाई सेकेंड इज नॉट सफिशियंट, हम सेकेंड से हम पता नहीं लगा सकते। तो पहला सफिशियंट है, दूसरा नहीं है, कौन सा आंसर ऑप्शन है, ए, अग्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट आर द एजेस ऑफ थ्री पर्सन थ्री फ्रेंड्स पी क्यू आर राइट। और हमें पता है एजेस जो है नेचुरल नंबर में आ रही हैं ईयर्स के टर्म्स में। पहला लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 48 ईयर। यार तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है 1 1 48 हो या 1 2 24 हो, राइट कुछ भी हो सकता है ना। नाउ ये मत सोचो कि एक 48 ईयर ओल्ड पर्सन 1 ईयर के साथ फ्रेंड नहीं हो सकता, राइट। हम ये कॉमन सेंस को बाहर रख के आ रहे हैं, मतलब बेसिकली इट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। तो कहने से पहला तो सफिशिएंट नहीं है, पहला स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, दैट सम ऑफ देयर एजेस इज नॉट डिविजिबल बाय 6। कहने से सेकंड अलोन तो पक्का सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये लिखा हुआ है सम 6 से डिविजिबल नहीं है, 48 वगैरह के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली सेकंड जो है वो पक्का सफिशिएंट नहीं है, 6 से डिविजिबल नहीं है, कोई भी नंबर आ सकते हैं। लेकिन इवन इफ आई कंबाइन दीज टू, कहने से ये बोल रहे हैं सम ऑफ देयर एजेस इज नॉट डिविजिबल बाय 6। अगर मैं यहाँ इन तीनों को ऐड करूँ, कहने से 50 आ रहा है, 6 से डिविजिबल नहीं है, इन तीनों को ऐड करो कितना आया, 27 आ रहा है, ये भी 6 से डिविजिबल नहीं है। तो एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, यूनिक आंसर आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कंबाइन करके भी ये सफिशिएंट नहीं है। इन अदर वर्ड हमें कौन सा आंसर ऑप्शन मार्क करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ई, राइट। अगला सवाल, ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई जेड एंड यू इज दिस मच। पता है वो सब भूल जाओ, हमारे पास दो कंडीशन है। कहने से पहली कंडीशन में लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन जेड इज ग्रेटर देन यू। सवाल में पूछा गया है कि इन सब में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, राइट। तो कहने से जेड और यू तो नहीं हो सकते, उनसे बड़ा एक्स है, राइट। नाउ सेकेंड कंडीशन जो है उसमें ये लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन यू। कहने से सेकेंड में भी वाई और यू नहीं हो सकते, राइट। पहले वाले में क्या था, जेड और यू नहीं हो सकते, हो सकता है एक्स हो या वाई हो, तो फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशियंट। सेकेंड वाला जब मैं व्हेन आई एम चेकिंग सेकेंड अलोन, तब मैं पहले वाले स्टेटमेंट के बारे में भूल गया, तो वाई और यू नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनसे बड़ा तो एक्स है, जेड के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो सबसे बड़ा नंबर जेड भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, तो सेकेंड ऑल्सो इज नॉट सफिशियंट। लेकिन अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, तो कहने से दोनों को कंबाइन करने में जो एक्स है वो जेड से भी बड़ा है, यू से भी बड़ा है और वाई से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, एक्स। तो कहने से अब इनको कंबाइन करके हम लोग आंसर कर सकते हैं, तो बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट और आर नेसेसरी टू आंसर, ऑप्शन नंबर इज सी। अगला सवाल प्लीज। सो गाइज, थ्री टीम्स ऑफ टाइप राइटर्स पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन टू टाइप मोस्ट नंबर ऑफ पेजेस। हमें ये पता लगाना है कि किसने कॉम्पिटिशन जीता, इन अदर वर्ड किस टीम ने सबसे ज़्यादा पेजेस टाइप करे, राइट। मैं एक काम करता हूँ, मैं सपोज करता हूँ कि पहली टीम ने एक्स पेजेस टाइप करे, दूसरे ने वाई, तीसरे ने जेड, तो हमें यह पता लगाना होगा एक्स वाई जेड में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। पहली कंडीशन क्या लिखी हुई है, राइट, द सेकेंड एंड थर्ड टीम टुगेदर टाइप 200% मोर पेजेस देन दैट ऑफ फर्स्ट टीम। तो सेकेंड एंड थर्ड टीम दैट इज वाई प्लस जेड जो है 200% मोर का मतलब क्या होता है, ट्रिपल। 100% मोर का मतलब होता है डबल, 200% मोर का मतलब क्या होता है, ट्रिपल होता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ क्या गया, कहने से वाई प्लस जेड सेकेंड एंड थर्ड टीम टुगेदर टाइप ट्रिपल ऑफ एक्स। अच्छा, इससे हम लोग केवल एक चीज बोल सकते हैं, यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते एक्स वाई जेड में सबसे बड़ा कौन सा है। मे बी वी कैन से वन थिंग कि एक्स सबसे बड़ा नहीं हो सकता, राइट। दूसरी कंडीशन देखते हैं, तो लिखा हुआ है फर्स्ट एंड थर्ड टीम टुगेदर एक्स प्लस जेड, राइट, दे टाइप ट्वाइस एज नंबर ऑफ पेजेस बाय सेकेंड टीम, तो वाई का डबल। अच्छा, दो इक्वेशन है हमारे पास, तीन अननोन है, हमें किसी अननोन की वैल्यू नहीं निकालनी है, राइट। हमें यह पता लगाना है इनमें से कौन सबसे बड़ा है, तो जरा देख लेते हैं। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँ फ्रॉम द फर्स्ट वन, जेड से जेड कैंसिल, वी गॉट वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x-2y। सारे y वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो, तो ये कितना आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू x वाले टर्म सारे उधर लिख दो, तो ये आ गया 4x। तो 3y इज इक्वल टू 4x, राइट। तो हम चाहे तो ये वैल्यू कहीं पे भी रख सकते हैं। अगर 3y की वैल्यू 4x के इक्वल आ गई, या x बाय वाई के बीच का जो रेशियो आ गया, क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये आ गया 3:4। तो एक काम करता हूँ, मैं x की जगह 3 के रख देता हूँ, y की जगह 4 के रख देता हूँ पहली इक्वेशन में, तो
तो पहली क्वेश्चन में वाई की जगह फोर के रख दिया, जेड को ऐसे ही रखा रहा, रखा रखते हैं, और एक्स की जगह पे थ्री के रख दिया, तो इसका ट्रिपल क्या होगा, नाइन के। तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आई, फाइव के। अब एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू थ्री के, वाई की वैल्यू फोर के, जेड की वैल्यू फाइव के, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इट इज़ फाइव के। तो कहने से इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास आंसर आ रहा है, फर्स्ट अलोन से नहीं आया, सेकंड अलोन से नहीं आया, बट व्हेन वी कंबाइन दीज टू देन वी आर गेटिंग द आंसर, तो यू शुड मार्क ऑप्शन नंबर सी, बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर नेसेसरी, राइट। अगला सवाल, या सवाल पढ़ो जरा आप लोग। तो फिर से इसमें क्या लिखा हुआ है, तीन पर्सन है, वी आर ए, राइट, उन्होंने कोई बिजनेस शुरू किया, और हमें ये पता है कि गिवन दैट दे रिमेन इन्वेस्टेड फॉर द सेम टाइम, मतलब सबका टाइम पीरियड सेम है, राइट, हमें ये पता लगाना है शेयर ऑफ आर क्या है, आर को कितना मिला। कहने से पहले स्टेटमेंट से हमें ये पता चला है टोटल प्रॉफिट क्या है, उनमें से आर को कितना मिला हमें नहीं पता चलेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें टोटल पता चल गया, लेकिन आर को कितना पार्ट मिल रहा है हमें नहीं पता चल रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट। सेकंड से हमें यह पता चल रहा है कि आर की इन्वेस्टमेंट जो थी वो 25% लेस थी वी से और 50% ज़्यादा थी ए से, तो इनसे इन दोनों के बीच इन सबका रेशियो आ जाएगा 2-3-4 व्हाटएवर, राइट। तो उस तरह से बेसिकली हमें करना क्या है, कहने से सेकंड से हमें रेशियो पता चल जाएगा, तो लेकिन हमें टोटल नहीं पता है, प्रॉफिट टोटल है कितना हमें वो नहीं पता है, तो सेकंड इज अगेन नॉट सफिशिएंट। लेकिन अब अगर मैं इनको कंबाइन करूं, यहां से हमें टोटल प्रॉफिट पता चल रहा है, सेकंड से हमें पता चल रहा है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कंबाइन करके सफिशिएंट है, तो कौन सा आंसर मार्क करेंगे, सी फॉर कैलकटा, राइट। नेक्स्ट, तो यहां अभी हम लोग ने 5 सवाल देखे डेटा सफिशियंसी के, राइट। अब जरा आते हैं, ये जो सवाल है टाइम एंड वर्क का, लिखा हुआ है पी कैन डू अ टास्क इन 45 डेज, क्यू इज 50% मोर एफिशिएंट देन पी, राइट। अच्छा, हमें पता तो है नहीं काम कितना है, तो सपोज कर लेते हैं कि जो टोटल काम करना है, वर्क है, सपोज कर लेते हैं 45 यूनिट है, राइट ना। अब इसमें हमारे पास पर्सन क्या है, पी क्यू एंड आर, या मैं लिखूंगा डेज कितने लग रहे हैं इन लोग को, या मैं लिखूंगा इन सबकी एफिशियंसी क्या है, राइट। तो लेट सी दैट। अच्छा, पी जो है, पी को 45 डेज अगर लग रहे हैं, मतलब पी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा होगा, एफिशिएंसी का मतलब यूनिट टाइम में कितना काम कर रहे हैं और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा होगा पी। क्यू के बारे में लिखा हुआ है क्यू इज 50% मोर एफिशिएंट देन पी, मतलब क्यू की एफिशिएंसी होगी 1.5। अब अगर क्यू एक दिन में 1.5 यूनिट काम करता है, इसका मतलब क्या हुआ, 45 यूनिट काम करने में इससे इसको डिवाइड किया, 30 डेज लग रहे हैं। अब आर के बारे में एक कंडीशन गिवन है कि आर को क्यू से 7.5 डेज लेस लगते हैं, तो इससे 7.5 डेज लेस करो तो 22.5। तो कहने से आर अगर 22.5 डेज में 45 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा, यस और नो, राइट। मतलब अब अगर ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, राइट, अगर कहीं पे, तो 2.5 प्लस दिस 4.5 यूनिट काम होगा पर डे, राइट। तो अगर कहीं सवाल होता तीनों मिलके कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, तो एक दिन में 4.5 कर रहे हैं तीनों मिलके, 10 दिन में 45 यूनिट हो जाता, बट सवाल वो नहीं है। सवाल ये है, इफ पी एंड क्यू स्टार्ट टुगेदर एंड आफ्टर एक्स डेज दे लेफ्ट द टास्क, तो कहने से अगर पी और क्यू एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक दिन में 2.5 यूनिट काम कर रहे हैं दोनों मिलके, तो एक्स डेज में इन्होंने कितना किया होगा, 2.5 टाइम्स एक्स प्लस, फिर उसके बाद आर आया, और आर ने, अब आर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, और आर ने कितने दिन और काम किया, एक्स प्लस 9 डेज। कहने से इतना पी ने काम किया, इतना क्यू ने काम किया, दोनों अब सबने मिलके 45 यूनिट काम कर लिया ना, इससे हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2.5 प्लस 2 ये आया 4.5x, ये आया 18 उठा के उधर ले गया, दैट इज 27, डिवाइड कर लो, एक्स की वैल्यू आ गई 6। सो कौन सा आंसर ऑप्शन हम लोग मार्क करेंगे यहाँ पे, सी फॉर कैलकटा, अग्रीड। अगला सवाल देखते हैं, या सो वीर इन्वेस्टेड एक्स रुपीज और वट एवर, कुछ सम इन्वेस्ट किया इन SBI एट द रेट ऑफ 18% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, राइट। सबसे पहले उसको कोई स्पेशल स्कीम मिली, राइट, नॉर्मली इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है, फॉर 2 ईयर्स,
और उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 6750। तो कहने से सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल तो वैसे भी बहुत सिंपल होता है। एक साल का इंटरेस्ट 18% है, तो दो साल का इंटरेस्ट कितना हुआ 36%। तो 36% जो है वो कितना आ रहा है 6750। क्या मैं इससे 100% की वैल्यू निकाल सकता हूँ? राइट, कैसे? बाय यूनिटरी मेथड, 100 / 36 × 6750, यस और नो? राइट, जरा देख लेते हैं। 9 से कैंसिल करते हैं, ये आया 4 और ये कितना आया 750। 75 एंड 0 और लगा हुआ है 750। इससे इसको मल्टीप्लाई किया, 75,000 आ गया, उसे 4 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 1875, 18,750, 18750। राइट, अब उसके बाद कुछ कंडीशन में चेंज हो रहा है। लिखा हुआ है इफ ही इन्वेस्टेड 2250 मोर फॉर द सेम पीरियड, मतलब इससे 2250 मोर, तो 2250 रुपए अगर मोर किए जाएं, इफ 2250 मोर, इफ दैट इज द सिनेरियो, अगर मैं ऐड करूं तो कैन आई से इट इज इक्वल टू 21,000। राइट, फॉर द सेम पीरियड, मतलब दो साल के लिए। पहली साल का रेट क्या है 14 2/7%, आपको पता है वो 1/7 होता है, तो इसका 1/7, पहली साल का इंटरेस्ट कितना बना 3000, कहने से तो एक साल बाद अमाउंट कितना बनेगा 24,000, एंड फिर उसके बाद 16 2/3% विच इज नथिंग बट 1/6। तो अब जो 1/6 इंटरेस्ट होगा वो इस पे होगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये कितना हो गया 4000। सो कहने से दो साल बाद अमाउंट आ गया 28,000। पता क्या लगाना है, इन दो साल का इंटरेस्ट कितना है, तो आप चाहो तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो इससे, या फिर पहले साल का इंटरेस्ट 3000 था, दूसरे साल का 4000 था, हमारा आंसर इन दोनों का सम है 7000। सो फॉर द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट वाज 3000, फॉर द सेकंड ईयर इट वाज 4000, आर आंसर इज द सम ऑफ दीज टू, दैट इज 7000। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, तो इस सवाल को देखते हैं जरा। द एनुअल इनकम ऑफ समीर इज 8.4 लाख रुपीज, तो उसकी टोटल जो इनकम है 8,40,000 रुपये। ही स्पेंड 14 2/7% ऑन रेंट, हमें पता ही है 1/7 होता है ये, राइट। फिर जो बचा हुआ है उसका 1/6 फूड पे, राइट, एंड 11/20 जो हमें पता है 55% होता है, बट लेट इट बी, ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स एंड ट्रैवल, राइट। फिर जो बचेगा वो सेव करता है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेविंग्स। गाइज, यहाँ हम बड़े आराम से सेविंग निकाल सकते हैं, राइट। अब अगर हमें सेविंग्स निकालनी है, सेविंग्स निकालनी है, कहने से उसकी जो इनकम थी स्टार्टिंग में वो थी 8.4 लाख, उसमें से उसने रेंट पे दे दिया 1/7, मतलब उसके पास बचा कितना 6/7। फिर जो बचा है उसमें से उसने फूड पे स्पेंड कर दिया 1/6, तो बचा उसके पास 5/6। अब इसमें से उसने क्लोथ्स एंड ट्रैवल पे स्पेंड कर रहा है 11/20, तो उसके पास बच रहा है 9/20, इतना पार्ट उसके पास बच रहा है, राइट। अब उसके बाद कहने से ये उसकी सेविंग है, सॉल्व कर लेते हैं बड़े आराम से। इससे ये कैंसिल हुआ, 7/6 को डिवाइड करो, ये कितना आ जाएगा 1.2 लाख। 1.2 लाख इंटू 5 कितना बनता है 6 लाख, 6 लाख इंटू 9 ये कितना बनेगा 6 लाख इंटू 9 इज 454 लाख, डिवाइडेड बाय 20 इट विल बी, राइट, कैन आई से 54 लाख डिवाइडेड बाय 20 इट इज नथिंग बट 2.7 लाख। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, 1.2 इंटू 5 कितना बनेगा, या आप चाहो तो एक काम कर दो, इससे इसको डिवाइड कर लो 4 लिख लो, इससे इसको डिवाइड कर लो, क्या मैं लिख सकता हूँ 0.3, तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया, वी आर गेटिंग 2.7 लाख्स, एंड आई एम राइटिंग ईयर लैक्स क्योंकि लैक्स के टर्म्स में, उसके अलावा आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 2,70,000, राइट। अब जरा वापस आते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्लोथिंग पे, क्लोथ्स पे वो कितना स्पेंड, डिफरेंस निकालना है, राइट। तो अब जरा देखते हैं, कहने से उसकी स्टार्टिंग की इनकम 8.4 लाख्स थी, उसमें से रेंट पे गया 6/7, फूड पे गया, रेंट पे गया 1/7, मतलब बचा 6/7, फूड पे गया 1/6, बचा 5/6। अब ये पार्ट जो है, राइट, इसका 11/20 टाइम्स वो स्पेंड कर रहा है क्लोथिंग और ट्रैवल इन दोनों पे मिला के, लेकिन क्लोथिंग और ट्रैवल का जो रेशियो है वो कितना है 17:8, राइट,
और हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेविंग एंड ट्रैवल। अच्छा ट्रैवल निकालना है, नॉट क्लोथिंग, तो हमें ट्रैवल का रेशियो निकालना है। तो कोई नहीं, कहने से क्लोथिंग टू ट्रैवल का जो रेशियो है वो है 17:8, मतलब 8 आउट ऑफ 17 प्लस 8 क्या होता है 25 पार्ट। दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। देखते हैं जरा यहाँ पे, ओके एक बार हटा देंगे क्वेश्चन को क्या, लेट्स सी दैट। कहने से 7 से इसको कैंसिल किया, हियर वी गॉट 1.2 लाख, 6 से 6 गॉन, इससे इसको डिवाइड किया, वी गॉट हियर 4, राइट। अच्छा अब नीचे आ रहा है 100, दैट इज़ अ गुड थिंग, 100 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है। 1.2 इंटू 11 इंटू 8, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। सो 1.2 इंटू 11 ये कितना होगा, 13.2 इंटू 8, 13 इंटू 8 होता है 108, 108, 13 इंटू 8 होता है 108 प्लस 1.6, तो हमारे पास 104 प्लस 1.6, 105.6 डिवाइडेड बाई 100, तो आई बिलीव मुझे पॉइंट यहाँ लगाना चाहिए, अग्रीड ना, 100 से भी तो डिवाइड करना है, और ये हमारी वैल्यू आ रही है लैक्स के टर्म्स में। तो अब अगर हमें इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना, अगर एक्चुअल रुपीज़ के फॉर्म में लिखें तो कहने से सेविंग है 2,70,000 और ट्रैवल पे स्पेंट हो रहा है 1,05,600 रुपीज़। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 004461, तो कौन सा आंसर ऑप्शन है, जरा एक बार आंसर ऑप्शन दिखा देंगे, ऑप्शन नंबर ए, दैट्स इट। ओके गाइस, तो वही है ना द वे वी डू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अगर 1/7 जा रहा है बचा कितना 6/7, फिर उसके बाद 1/6 जा रहा है तो बचा कितना 5/6, वी नीड टू अप्लाई दैट थिंग। ओके आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, अ 75 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ पर्सन हु इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन 7.5 सेकंड। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर ट्रेन मैन को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगी, ट्रेन की अपनी लेंथ जो कि कितनी गिवन है 75 मीटर, और टाइम उसने कितना लिया 7.5 सेकंड, सो कैन आई से इट इज 10 मीटर पर सेकंड। अब इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18/5 से वी गॉट हियर स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, सब्सिक्वेंटली इट क्रॉसेस अनदर पर्सन और अ सेकेंड पर्सन, राइट, वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द फर्स्ट पर्सन, मतलब सेकेंड पर्सन जो है वो भी ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बाइक वॉक कर रहा है क्योंकि पहला वाला वॉक कर रहा था, एंड कितनी देर में 6/3/4 सेकेंड में। तो सेकेंड केस में स्पीड क्या होगी, 75 डिवाइडेड बाय 6.75, अच्छा इससे इसको डिवाइड किया, अल्टीमेटली हियर वी गॉट 100/9 मीटर पर सेकेंड। फिर से 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 18/5 से इधर 20 आ जाएगा, राइट, इधर 2 आ जाएगा, अल्टीमेटली वी गॉट हियर 4 किलोमीटर पर आवर। नाउ अब एक बात बताओ, सवाल में ये लिखा हुआ है हमें स्पीड ऑफ सेकेंड पर्सन निकालनी है, कहने से इन दोनों सिनेरियो में ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो तो चेंज नहीं हुई है, अपनी लेंथ ट्रैवल कर रही है 75 मीटर्स, और ट्रेन की स्पीड भी चेंज नहीं हो रही है, तो जो रिलेटिव स्पीड में जो फ़र्क आ रहा है कहने से उसी की वजह से आ रहा है जो इन दोनों पर्सन की स्पीड में जो फ़र्क है। तो रिलेटिव स्पीड का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 4 किलोमीटर पर आर, ये किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि दोनों पर्सन की स्पीड का डिफरेंस इतना है, राइट। और कहने से बाद में रिलेटिव स्पीड बढ़ रही है, मतलब सेकेंड पर्सन की स्पीड ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, राइट। तो सेकेंड पर्सन की स्पीड आ गई 6+4 विच इज इक्वल टू 10, दैट्स इट गाइज। कौन सा आंसर हम लोग मार्क करेंगे, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट वन, ओके सो अभिषेक एंड आयुष स्टार्ट ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 8 किलोमीटर पर आर एंड 13 किलोमीटर पर आर रिस्पेक्टिवली, फिर लिखा हुआ है आफ्टर 4 आर, कहने से हर घंटे में आयुष टोटल 5 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, सो आफ्टर 4 आवर्स 4 घंटे में आयुष ने टोटल कितनी डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर ली होगी, 5 × 4 मतलब 20 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर ली होगी, राइट। नेक्स्ट, अभिषेक डबल्ड हिज स्पीड एंड आयुष रिड्यूस हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर, तो अभिषेक ने क्या किया, अपनी स्पीड को डबल कर लिया। अभिषेक की पहले स्पीड, आई एम राइटिंग हियर अभिषेक एंड आयुष, तो अभिषेक की पहले स्पीड कितनी थी, 8 किलोमीटर पर आर थी, आयुष की 13 थी,
अभिषेक ने डबल कर ली तो उसकी नई स्पीड कितनी आ गई, 16 किलोमीटर पर आवर। आयुष ने अपनी स्पीड 1 से रिड्यूस कर ली, इसकी नई स्पीड कितनी आ गई, 12 किलोमीटर पर आवर। तो कहने से अब सेम डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक करके हम निकालेंगे, 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो कहने से उसके बाद एक कंडीशन गिवन है, एंड दे रीच द डेस्टिनेशन टुगेदर, मतलब दोनों एक साथ पहुँच रहे हैं, मतलब उस टाइम पर पहुँच रहे हैं राइट, जिस टाइम पर अभिषेक ने आयुष को क्रॉस किया। तो कितनी देर बाद क्रॉस किया, कहने से बीच का गैप 20 किलोमीटर है। उसके बाद हो क्या रहा है, रिलेटिव स्पीड 4 है, मतलब 5 आवर्स बाद क्रॉस किया है। अब अगर 5 आवर्स बाद क्रॉस किया है और हमें पता है हमें हाउ लॉन्ग द इंटायर जर्नी लास्ट, मतलब हमें जर्नी का टोटल टाइम निकालना है, 5 घंटे अभी लग रहे हैं, 4 घंटे पहले लग चुके हैं राइट, तो हमारा आंसर है 4 + 5 दैट इज 9 आवर्स। अग्रीड, डन। अगला सवाल देखते हैं। ओके, सो अ मैन परचेज 2 आइटम्स A एंड B एंड इन्वेस्टेड 50 रुपीज एंड 70 रुपीज ऑन देयर रिपेयर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब अब जो हम टोटल कॉस्ट जो हम कंसीडर करेंगे आइटम की, वो जितना परचेज जिस रेट पे बाय कर रहे थे प्लस उसमें रिपेयर कॉस्ट भी ऐड करेंगे, ये टोटल कॉस्ट हो गई उस मैन के लिए। फिर लिखा हुआ है इफ ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन ए एंड 12% ऑन बी, तो ओवरऑल प्रॉफिट इतना हो रहा है 84। तो एक काम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ए एंड बी आर आई एम एज्यूमिंग 100x and 100y रिस्पेक्टिवली। मतलब ए की टोटल कॉस्ट 100x है, बी की टोटल कॉस्ट 100y है, और इनमें इनके रिपेयर कॉस्ट इंक्लूडेड हैं, तो परचेज प्राइस ए का क्या रहा होगा, 100x - 50, से 50 सब्ट्रैक करेंगे, और इधर कितना रहा होगा बी के लिए, 100y - 75। जरा कंडीशन पे आते हैं, इफ ए अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% राइट, ए पे प्रॉफिट 10% का हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस पे प्रॉफिट 10% का हुआ है, इन अदर वर्ड 10x प्रॉफिट हो रहा है। बी पे 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 12y प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ, 84 रुपीज का, पहली कंडीशन राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अब अगर ए पे 20% प्रॉफिट हो रहा है राइट एंड बी पे 10% हो रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट अर्नड बाय हिम इज 14% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम। तो टोटल कॉस्ट हमें पता है 100x + 100y है, इसका 14% क्या बनेगा, 14x + 14y। इससे हमें x और y के बीच का रेशियो पता चल जाएगा या रिलेशन पता चल जाएगा राइट। तो हमें पता लगाना है फाइंड द इनिशियल टोटल परचेजिंग प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स, आराम से निकाल सकते हैं कैसे, कहने से x उठा के इधर ले आओ, तो 6x = इसको उठा के उधर ले जाओ, 4y। इन अदर वर्ड हम लोग बोल सकते हैं 3x = 2y, मतलब हम 2y की जगह पे 3x पुट कर सकते हैं, 3x की जगह पे 2y पुट कर सकते हैं, या x और y के बीच का रेशियो ही है राइट। तो अब जरा देखते हैं यहाँ पे, अगर 3x की जगह मैं 2y पुट करूँ, तो कहने से पहली इक्वेशन में, या 2y की जगह अगर मैं 3x पुट करूं, तो यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं, ये 18x आ जाएगा, 2y = 3x, तो 12y will be 18x, तो दिस इक्वेशन विल बिकम 28x = 84। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और x की वैल्यू 3 यहां पुट करो, ये 9 बना, इसके इधर आके डिवाइड कर लो, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4.5। अब कहने से जो टोटल कॉस्ट आ रही है दैट इज 100x + 100y, जरा ये पता लगाते हैं, 100x + 100y, बाय द वे हमें निकालना क्या है, इनिशियल परचेजिंग प्राइस। तो कहने से इसमें तो रिपेयर कॉस्ट इंक्लूडेड है, तो रिपेयर कॉस्ट हटा देते हैं, रिपेयर कॉस्ट टोटल है कितनी, 50 एंड 75, इन दोनों का सम, तो 125 हटा देते हैं इससे, अग्रीड। सो 100x + 100y मतलब ये कितना बना, 300 + 450 - 125, ये काम करेंगे हम लोग, 300 + 450 कितना बना, 750, उसे 25 सब्ट्रैक्ट करो, हमारा आंसर आएगा 625, जो कि कौन सा आंसर ऑप्शन है हमारे पास, डी फॉर दिल्ली राइट। अगला सवाल देखते हैं जरा।
ओके, अ सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 1 टू 15 आर रिटन ऑन अ पेपर, राइट? 1, 2, 3, 4 अप टू 15. नाउ अ मैन इरेज टू नंबर्स, उसने कोई दो नंबर हटा दिए, हमें नहीं पता है कौन से दो नंबर हटाए हैं, और जो बाकी बचे 13 नंबर से उनका एवरेज निकाला. एवरेज कितना आया? 7, 9/13. 7 + 9/13 मिक्स फ्रैक्शन है, सॉल्व कर लेते हैं. 13 × 7 = 91 + 9, मतलब 100/13. और एवरेज हम निकालते हैं सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब क्या हुआ, कहने से बचे हुए 13 नंबर का सम ये होना चाहिए. तो सम ऑफ 13 नंबर्स इज 100 ना, तभी तो एवरेज इतना आएगा. फिर उसके बाद हमें ये पता है कि पहले 15 नंबर का सम होता कितना है, तो 1 + 2 + 3 up to n, हमें फॉर्मूला पता है, ये होता है n × n+1/2. सो राइट, तो 1 + 2 + 3 up to 15, ऑल 15 नंबर का सम होता है 15 × 16/2, विच इज़ 120. बट हमारे पास बचा कितना? 100. इसका मतलब क्या हुआ, क्या चीज़ मिसिंग है? कहने से जो भी दो नंबर गायब हुए हैं उनका सम रहा होगा 20, जो 120 और 100 के बीच का डिफरेंस है, राइट? क्योंकि बचे हुए 13 नंबर का सम 100 है और ऑल 15 नंबर का सम 120 है. फिर उसके बाद इनका रेशियो गिवन है 2:3, तो 20 को डिवाइड करते हैं 2:3 के रेशियो में. एक नंबर 8 है, दूसरा नंबर 12 है. सवाल पूछ रहे हैं कि इनके स्क्वायर का सम कितना होगा. तो 8 का स्क्वायर होता है 64, इसका स्क्वायर होता है 144, ऐड कर लेते हैं, कितना हमारे पास बनेगा, इट विल बी 208. दैट्स इट गाइस, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ओके, सो एक्स मेन, राइट, एंड हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वुल्वरिन एंड ऑल, एक्स नंबर ऑफ मेन है, राइट? तो एक्स मेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज वर्किंग 8 आवर्स ईच डे, राइट? हमें पता है ना, इस तरह का सवाल आता है, राइट, MDH वाला, M1D1H1/W1, यहाँ ये क्या है, काम है, इज इक्वल टू M2D2H2/W2. और इस सवाल में W1 = W2, लिखा क्या है, एक्स मैन. सो एक्स इंटू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज, तो टाइम है 21 डेज, वर्किंग 8 आवर्स ईच डे, वर्क मैंने ले लिया W, राइट? नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय एक्स मैन इज 70% ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय एक्स माइनस वन मैन. तो एक्स माइनस वन जब मैन है तो नंबर ऑफ डेज क्या है, कहने से अगर 70% 21 है तो 100% बनेगा 30, रेशियो 7:10 हो जाएगा ना. एंड व्हेन दे आर वर्किंग 6 आवर्स अ डे, काम अभी भी वही है, तो अगेन वर्क क्या आ गया, W, हमें x की वैल्यू निकालनी है, या W से W कैंसिल कर सकते हैं, राइट? अब जरा एक काम करता हूँ, मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये आ गया 7 और ये आ गया लेट से 10, राइट? अब 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ बचा 2, 4 से डिवाइड किया, ये बचेगा 5, 2 यहाँ से कैंसिल हुआ, 2 यहाँ से कैंसिल हुआ. अब जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7x × 7×2 = 15x = 15 × x-1 या 15x - 15. इसको उधर ले गए, उसको उधर ले गए, x की वैल्यू आ गई 15. सो दैट्स द थिंग हियर गाइस, आवर आंसर इज 15, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. या फिर से सवाल को पढ़िए जरा आप लोग. सो देर वॉज अ रेस ऑफ 3000 meters बिटवीन ए एंड बी, दो लोग हैं हमारे पास ए और बी, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 750 meters, मतलब क्या हुआ, चार चक्कर लोगों को लगाने हैं, राइट? दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, एक पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं. द फर्स्ट टाइम दे मीट ड्यूरिंग द रेस इज आफ्टर 5 minutes ऑफ स्टार्टिंग द रेस. अच्छा, पहली बार जब मिलेंगे तो इनकी रिलेटिव स्पीड, अगर मैं यही काम करूँ, राइट, अगर मैं ये काम करूं कि लेट से ए की स्पीड x है, x मीटर पर सेकेंड, और b की स्पीड जो है वो y मीटर पर सेकेंड है, तो पहली जब भी ये मिलेंगे, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड x माइनस y है. पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे, कहने से पूरे ट्रैक की लेंथ जो 750 है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, 5 मिनट. अच्छा, 5 मिनट को मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ इसको ये हुआ 300 सेकेंड,
तो जो बीच का गैप आया वो आया 2.5, राइट। तो इन दोनों के स्पीड का डिफरेंस हुआ 2.5, राइट। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द रेस इफ ही रन्स एट हाफ द स्पीड ऑफ ए। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2.5 है, वाई की वैल्यू आधी है एक्स की, कहने से वो तभी पॉसिबल है जब एक्स हो 5 और वाई हो 2.5। तो हमें पता लगाना है टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द रेस। सो टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द रेस, अब हमें पता है रेस कंप्लीट करने को बोल रहा है, राउंड लगाने को नहीं बोल रहा है। तो टोटल लेंथ कितनी है 3000 डिवाइड बाय स्पीड कितनी है उसकी 2.5। कहने से ये आंसर हमारा आएगा सेकेंड्स में, बट पूछ किस में रहे, पूछ रहे हैं मिनट्स में। तो मिनट्स के लिए क्या करूँ मैं, इंटू 1/60 कर दूँ। अब इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा हमारे पास, 0 0 कैंसिल, 50 आया, राइट। अब इससे इसको डिवाइड किया, हमारा आंसर आया 20 मिनट्स। अग्री ना, होपफुली ये चीज़ सब लोग को क्लियर है। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर, हमें पूरे ट्रैक की लेंथ पता है 3000 है, राइट। उसमें बी की स्पीड पता है 2.5 मीटर पर सेकेंड, मीटर को मीटर पर सेकेंड से डिवाइड किया, सेकेंड्स में आएगा आंसर, सारे आंसर ऑप्शन मिनट में है। तो 60 से और डिवाइड कर लो तो हमारा मिनट में आ गया, राइट। तो अल्टीमेटली आर आंसर है 20 मिनट, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन प्लीज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 80 पढ़िए जरा सवाल को। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप वेयर ए इन्वेस्ट 1,20,000, ए ने 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करे एंड बी इन्वेस्ट फॉर 5 more months देन ए, राइट। और बाद में लिखा हुआ है बी रिमेन्स इन्वेस्टेड फॉर होल ईयर, लास्ट लाइन जो क्वेश्चन की है, मतलब ए का इन्वेस्टमेंट 1,20,000 है और बी उससे 5 महीने ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, 5 महीने के लिए ज़्यादा, मतलब ए ने इन्वेस्ट किया 7 महीने के लिए क्योंकि बी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। एंड दे डिस्ट्रीब्यूट 4% ऑफ देयर टोटल प्रॉफिट टू वर्कर्स एज इंसेंटिव, मतलब 100% जितना भी प्रॉफिट था उसमें से 4% तो वर्कर्स को दे दिया, बचा जो 96% है उसमें क्या हो रहा है, कह रहे से ए को टोटल मिल रहा है 48%। अच्छा, अब अगर ए को 48 मिल रहा है मतलब बी को भी 48 मिल रहा है, इन अदर वर्ड इन दोनों का इन्वेस्टमेंट इन टू टाइम सेम हुआ, राइट। तो हमें बी की इन्वेस्टमेंट निकालनी है, राइट। तो कहने से इन दोनों का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम सेम होगा तभी तो ऐसा होगा। सो ए के लिए इन्वेस्टमेंट है 1,20,000, टाइम पीरियड 7 months है क्योंकि बी का टाइम पीरियड 12 months है, ये उससे 5 कम है। बी की इन्वेस्टमेंट मैंने एक्स अज्यूम कर ली और टाइम पीरियड 12 months है, कहने से इससे इसको डिवाइड किया 10,000 आएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 70,000 और 70,000। कौन सा आंसर ऑप्शन मार्क करें हम लोग, सी फॉर कैलकटा। कितना आसान सवाल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, तो ये वाले जो सवाल हैं, बेसिकली वी आर कंपेयरिंग क्वांटिटी 1 and क्वांटिटी 2, राइट। आई नो, आई बिलीव यू नो हाउ टू सॉल्व दिस थिंग। तो यहाँ पे हमें 2 quadratic इक्वेशन गिवन है, राइट, एंड वी नीड टू टेल मतलब एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। सो आई बिलीव ये तो सॉल्व कर ही लोगे, है ना। We can discuss a few question here, right? Let's see that. तो जो पहला सवाल है यह है 5/x, पहली जो कंडीशन है, -12x² = 1/2। मैं एक काम करूँगा, इन सबको इंटीजर फॉर्म में नीचे डिनोमिनेटर ख़त्म करते हैं। तो कहने से x² और 2 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों तरफ, what I'll do, I'll multiply by 2x². सो यहाँ पे इससे इसको मल्टीप्लाई किया, 1x से 1x कैंसिल, अल्टीमेटली ये आ जाएगा 10x माइनस x² कैंसिल हो गया तो 24 = 2 से 2 कैंसिल हो गया x². इन अदर वर्ड हम लोग बोल सकते हैं x² - 10x + 24, सबको एक ही साइड लिख लो, राइट। तो 24 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 10 हो, अब ऐसा कैसे निकाल सकते हैं 6 और 4, तो x की 2 possible values हैं 4 and 6। अब जरा y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास कंडीशन गिवन थी 2 + 20/y² = 13/y। तो क्या एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे दोनों तरफ y² से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
अगेन डिनोमिनेटर से सब खत्म हो जाएगा, तो ये आया 2y² प्लस 20 प्लस 13y, नो इज इक्वल टू 13y, नॉट प्लस, इज इक्वल टू 13y, दैट इज द थिंग हियर, राइट। सबको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो 2y² माइनस 13y प्लस 20 इज इक्वल टू 0, राइट। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं, कैसे यहाँ पे 2 इंटू 20, 40 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 13 हो, हमें पता है 8 और 5 होते हैं, राइट। तो बेसिकली व्हाट आई कैन डू, वेयर शुड आई राइट हियर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, राइट। तुम्हारे पास इक्वेशन थी 2y², ओके चलो ये थी, तो बेसिकली एक काम करते हैं, वी हैड 2y² माइनस 13y प्लस 20 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 2y² माइनस 8y माइनस 5y प्लस 20 इज इक्वल टू 0, यहाँ से मैंने 2y कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा y माइनस 4, तो 1 रूट इज y माइनस 4, यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो अल्टीमेटली ये बन रहा है, मतलब y की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, 5/2 जिसकी वैल्यू 2.5 होती है और 4। अब जरा मैं x और y को कंपेयर करूं, अगर मैं कहने से x को 4 ले लो, तो ये वैल्यू इससे छोटी है x से और ये इक्वल है, x को 6 ले लो तो दोनों छोटी हैं, मतलब रिलेशन क्या आएगा, ये वाला। तो ये कौन सा आंसर ऑप्शन है, एक बार क्वेश्चन दिखा देंगे प्लीज, तो विच आंसर ऑप्शन शुड बी मार्क हियर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, राइट। अगला सवाल, यस गाइस जस्ट सी दैट, ओके, तो जो पहला पार्ट है हमारे पास, पहली जो क्वांटिटी है वो है 2x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। पहले इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसकी वैल्यू 9 है, इसका मतलब है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू ईदर प्लस 3 और माइनस 3, राइट। अच्छा, अब अगर ये चीज लिखी हुई, इसको दो अलग अलग पार्ट में मैं सेपरेटली सॉल्व करता हूं, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस का 3 एंड 2x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 3, इसको उठा के उधर ले गए 8 बना, 2x की वैल्यू 8 है, मतलब x की वैल्यू आ गई 4, एक पॉसिबल वैल्यू ये है, इसको उठा के उधर ले गए तो कितना आएगा प्लस का 2, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो कहने से ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, आप चाहो तो यहाँ पे 4 रखो, तो 2 इंटू 4 कितना हुआ 8, 8 माइनस 5 कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9, परफेक्टली फाइन, आप चाहो तो 1 भी रख सकते हो, तो 2 माइनस 5 कितना हुआ माइनस का 3, उसका स्क्वायर फिर से क्या बनेगा 9। तो ये हमने x की दो पॉसिबल वैल्यू निकाल ली, अब जरा वाई के बारे में सोचते हैं, वाई के बारे में लिखा हुआ है 3y प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मतलब क्या हुआ 3y प्लस 4 इज इक्वल टू ईदर प्लस 5 और माइनस 5। तो डायरेक्टली मैं आप इसी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, एक तरफ प्लस 5 लिख लिया, दूसरी तरफ 3y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 5 लिख दिया, राइट। नाउ लेट सी दैट, एक काम करते हैं, इसको उठा के उधर ले जाओ, कहने से कितना बचेगा 1, और y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। नेक्स्ट थिंग, इसको उठा के उधर ले गए तो कितना आया माइनस का 9, और y की वैल्यू आ गई माइनस का 3। ना सिंपल सी बात है, अगर मैं x कंसीडर करूं 4 तो उससे दोनों छोटे हैं, x कंसीडर करूं 1 तो ये उससे छोटा है ये बड़ा है, सॉरी x कंसीडर करूं 4 तो ये दोनों छोटे हैं, x कंसीडर करूं 1 तो भी तो दोनों छोटे हैं, तो हमारे पास रिलेशन आया x इज ग्रेटर देन y, तो कौन सा आंसर ऑप्शन हमें मार्क करना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, अग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, या गाइस इस सवाल को जरा देखते हैं यहाँ पे, अगेन रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अच्छा, पहला वाला जो पार्ट है राइट, उसमें क्या लिखा हुआ है, 3^2x + 4 इज इक्वल टू 9^3x + 4 इंटू 27^x + 1, राइट, ओके। सो ये चीज है यहाँ पे, अच्छा इसको जरा सॉल्व करेंगे, कहने से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे जो बेस है 0 नहीं है, 1 नहीं है, -1 नहीं है, तो
तो इक्वल तभी होगा जब इनकी पावर सेम हो, या ये भी हो सकता है पावर सारी के सारी जीरो बन जाए, तो विल थिंक अबाउट इट, इक्वल तभी होगा जब इनकी पावर सेम हो। तो जरा देखते हैं इन दोनों पावर्स को हमें इक्वल बनाना है तो कैसे, उसके लिए हमें बेसिकली बेस को इक्वल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, बेस इक्वल बनाएंगे, और बेस इज नॉट इक्वल टू वन जीरो और माइनस वन, दैट्स वाई पावर शुड बी सेम। तो बेस इक्वल बनाने के लिए कैन आई राइट, जो नाइन होता है, नाइन होता है थ्री का स्क्वायर, उसके ऊपर टोटल पावर ये है, तो पावर के ऊपर होल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा ये थ्री स्क्वायर होता है, तो इसका डबल कर देंगे, सिक्स एक्स प्लस एट आ जाएगा, इंटू कैन आई से ये होता है थ्री का क्यूब, तो यहाँ पावर क्या हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, थ्री एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। और हमें पता है ये क्या था, थ्री रेज टू पावर टू एक्स प्लस फोर। हमें एक चीज़ पता है कि इन दोनों का कभी भी बेस सेम है, प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ऐड द पावर्स। तो थ्री रेज टू पावर टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ऐड कर लेते हैं, थ्री रेज टू पावर नाइन एक्स प्लस इलेवन। जरा अगेन कहने से पावर सेम होनी चाहिए, क्योंकि बेस में वन नहीं है, जीरो नहीं है, माइनस वन नहीं है, तो इन दोनों को सेम कर देते हैं, तो 2x प्लस फोर इज इक्वल टू 9x प्लस 11, राइट। अब जरा यहाँ पे आते हैं, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो 7x की वैल्यू आ गई, इससे सब्ट्रैक किया माइनस 7, और x की वैल्यू आ गई माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस 1। अब जरा एक बार y की वैल्यू देख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 18 बाई वाई इज इक्वल टू 9, एक बार हटा देंगे क्वेश्चन प्लीज। तुम्हारे पास कंडीशन सेकेंड थी, वाई स्क्वायर प्लस 18 बाय वाई इज इक्वल टू 9, राइट ना, यही थी ना, ओके okay. इससे इसको मल्टीप्लाई किया, उठा के इधर ले आए, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ 18 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 9 हो, 3 एंड 6 होते हैं, तो y की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं 3 एंड 6। सो ग्रेट गाइस, हमें x की ये पॉसिबल वैल्यू मिली, y की ये दो पॉसिबल वैल्यू। कहने से x माइनस वन है, y चाहे तो 3 हो या 6 हो, कुछ भी सिनेरियो हो, y पक्का बड़ा होगा x से, x तो छोटा आ गया, तो x नंबर छोटा है, y उससे बड़ा है, राइट। विल मार्क द रिलेवेंट आंसर ऑप्शन। अगला सवाल प्लीज। या गाइस, तो आई बिलीव अगेन यू कैन सॉल्व द सिमिलर क्वेश्चन हियर। पहला वाला जो पार्ट है, मैं एक्स स्क्वायर उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आ सकता हूँ, पहला वाला जो पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे, या चलो सॉल्व कर देता हूँ, थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 125 माइनस टू एक्स स्क्वायर, इसको उठा के उधर ले आए, तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 125, और आई कैन से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, मतलब x के लिए या तो प्लस 5 होगा या फिर माइनस 5 होगा। सेकेंड वाला, हमारे पास ये हमें पता है वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 32 इज इक्वल टू 0, कहने से यहाँ से y की वैल्यू 2 आई, माइनस 4 एंड माइनस 8, अग्रीड। अच्छा अगर y की वैल्यू माइनस 4 में लेके चल रहा हूँ, तो ये उससे बड़ी वैल्यू है, ये उससे छोटी वैल्यू है, मतलब क्या हुआ, नो रिलेशन। अग्रीड, y की वैल्यू माइनस 4 लेके चलो, तो माइनस 4 से बड़ा नंबर होता है 5, माइनस 4 से छोटा नंबर होता है माइनस 5, तो इनमें से कोई रिलेशन नहीं है, तो वील बी मार्किंग ऑप्शन नंबर ई, ओके। अगला सवाल प्लीज। सो अरे लीनियर इक्वेशन कितना आसान है ना, समय ये पता लगाना है कि x और y में क्या रिलेशन है। पहली क्वेश्चन है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू व्हाट, 30। दूसरी क्वेश्चन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहो तो xy की वैल्यू लिख लो, राइट, या मैं एक काम करूं क्या, चलो लेट्स सी, लेट जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, राइट। बहुत सारे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। आई विल डू वन थिंग, मैं पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक कर देता हूँ, माइनस माइनस माइनस, कहने से यहाँ आ जाएगा माइनस का x प्लस y इज इक्वल टू 0, ये तभी होगा व्हेन x इज इक्वल टू y, आ गया रिलेशन। तो वी डोंट इवन नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ऑल दो वी कैन, बट वी डोंट नीड टू डू दैट। वैसे x की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू भी 3 आएगी, राइट। तो कौन सा रिलेशन, हमारा आंसर क्या है, e। नेक्स्ट वन,
ओके सो अभी इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑन स्कीम पी विच ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, फिर आफ्टर टू ईयर ही गॉट दिस मच 1032 एज इंटरेस्ट। अच्छा, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, राइट। सो फिर उसके बाद जो उसे अमाउंट मिला दो साल बाद, उसको स्कीम क्यू में इन्वेस्ट किया जहाँ पे उसे 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है और 4 साल के लिए। तो मैं स्कीम पी और क्यू का मिल के जितना टोटल इन्वेस्टमेंट है मैं वो पता लगाना है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे यार, मैं पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में बेसिकली वी कैन अप्लाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सो यू नो दिस फॉर्मूला राइट, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट में 15% मिला, दूसरी साल का 15% मिला, कंबाइन कर लिया 30 प्लस 2.25 बाय दिस फॉर्मूला। कैन आई से दिस थिंग इज इक्वल टू व्हाट, 1032। तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा, प्रिंसिपल का इतना परसेंट ये, तो 100% हमें पता लगाना है, तो बाय यूनिटरी मेथड 100 डिवाइडेड बाय 32.25 इनटू 1032। अच्छा, यहाँ 32 होता है या 1024, और बेसिकली इससे इसको डिवाइड करेंगे अगर हम, तो एग्जैक्टली 32 टाइम्स जाएगा, इनटू 100 हम करेंगे तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 3200। लेकिन ये प्रिंसिपल है, अब जब हम सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे 1032, ऐड कर लो इन दोनों को, तो कहने से सिंपल इंटरेस्ट पे इतना पार्ट इन्वेस्ट हो रहा है 4232। अच्छा, बाय द वे सिंपल इंटरेस्ट होगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स ये टोटल आएगा, कहने से एक साल का कितना है 15% है, तो 4 साल का होगा 60%, तो सिंपली 60/100 टाइम्स 4232। अच्छा, 60% निकालने का एक और तरीका होता है, 50% प्लस 10% कर दें, तो 50% इसका आधा कर लेते हैं, 42 का आधा 21 और प्लस 16 प्लस 10% कितना होगा 423.2। कहने से सिंपल इंटरेस्ट इतना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो बेसिकली हमारे पास नंबर आएगा 2539.2। यस, अच्छा, हमें ये आया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट ये था हमारा सीधा आंसर, इन दोनों का सम है क्योंकि टोटल इंटरेस्ट हमें पी और क्यू का पता लगाना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट था 1032, सिंपल इंटरेस्ट है 2539.2, तो 0.2 रख लेते हैं, 32 एंड 39 का सम होता है 71, यहाँ 6 आया, यहाँ 3 आया, कौन सा आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे, वेट यहाँ 5 आएगा नॉट 6, वील बी मार्किंग ऑप्शन नंबर ए। That's it, guys. अगला सवाल please. Again, बहुत आसान सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, there is series S1. So S1 is a series of 5 consecutive multiples of 3. तो 5 consecutive multiple ले लिए 3 के, उनका सम हमें पता है 180 है, तो पता है इससे हम लोग मिडिल नंबर पता लगा सकते हैं, सिंस consecutive multiples हैं तो एपी में होंगे, मिडिल नंबर क्या होगा, एवरेज के इक्वल होगा, तो जो मिडिल नंबर आएगा S1 सीरीज का वो होगा 180/5 मतलब 36। सो जो S1 सीरीज बन रही है उसका मिडिल नंबर है 36, उससे दो पहले होंगे दो बाद में होंगे, दो पहले क्या होंगे 30, 33, उसके दो बाद में होंगे 39, 42। अग्रीड, अब जरा S2 के बारे में बात करते हैं। इन S2 जो सेकेंड सीरीज है S2 इज द सीरीज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4, तो मैं 4 नंबर लेने राइट, हूज सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 13 मोर देन द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ सीरीज S1, 13 मोर देन सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ इट विल बी सीरीज S1, तो इससे 13 ज्यादा, तो इससे 13 ज्यादा का मतलब क्या हुआ 52 राइट, तो वहां पे सीरीज के बाद S1 आएगा। अब उसके बाद कहने से इसका सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर है, मतलब इससे पहले पक्का 48 आया होगा, 4 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ना ऑफ 4, फिर 56 आया होगा, फिर 60। सवाल में बोल क्या रहे हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ S1 सीरीज दैट इज 30
एंड द हाइएस्ट नंबर और द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एस टू सीरीज. 30 और 60 का एवरेज सम 90 बना, एवरेज 45 होगा, 90/2. कौन सा आंसर ऑप्शन मार्क करें? डी फॉर दिल्ली. राइट, अगला सवाल प्लीज. या सो अमन इज 50% मोर एफिशिएंट देन रवि व्हाइल 20% मोर एफिशिएंट देन मोहन. तो जो अमर है वो रवि से 50% ज्यादा एफिशिएंट है. तो अब अगर हम अमर नहीं अमन, राइट, तो तीन लोग हमारे पास, अमन रवि एंड मोहन, अमन रवि एंड मोहन, राइट. अब जरा इनकी एफिशिएंसी के बारे में अगर बात करें, लिखा हुआ है अमन इज 50% मोर एफिशिएंट देन रवि, मतलब रवि की एफिशिएंसी अगर मैं 2 एज्यूम करूं तो अमन की एफिशिएंसी आ जाएगी 3. व्हाइल 20% मोर एफिशिएंट देन मोहन, तो अमन इज 20% मोर एफिशिएंट देन मोहन, मतलब अगर मोहन की एफिशिएंसी 5 यूनिट है. 5 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसका 20% निकालना आसान है. 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसका 50% निकालना आसान है. तो अमन की एफिशिएंसी आ गई 6. हमें पता है हाउ टू कंबाइन द रेशियोज. कहने से यहाँ 6 ले लिया, अगर यहाँ 6 आएगा तो यहाँ पे आना चाहिए 4 और यहाँ पे आना चाहिए 5. अग्री. इफ रवि एंड अमन टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज, गाइज आई विल डू वन थिंग. रवि एंड अमन, इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है? और यहाँ पे बेसिकली तो हमें ये पता लगाना, इफ रवि एंड अमन टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, तो डायरेक्टली देख लेते हैं. सपोज करते हैं अमन एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, रवि 4 यूनिट काम कर रहा है और मोहन 5 यूनिट काम कर रहा है. रवि और अमन एक दिन में कितना काम करते हैं? कहने से ये दोनों मिलके एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं. एंड इट इज रिटन दैट रवि एंड इफ रवि एंड अमन टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज, तो मतलब क्या हुआ? टोटल वर्क जो आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू 10 इंटू 18, राइट. तो 10 आ जाएगा, राइट, नंबर ऑफ यूनिट 10 हो गए, एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज 18 हो गए, तो दैट इज 180 यूनिट, राइट. नेक्स्ट थिंग, देन इन व्हाट टाइम मोहन, रवि एंड मोहन कैन कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डे. बाय द वे रवि और अगर रवि मोहन काम करेंगे तो कहने से 9 यूनिट काम होगा 2 दिन में, राइट. सो 9 यूनिट काम हो रहा है 2 डेज में बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट डेज. तो हमें यह पता लगाना है 180 यूनिट वर्क करने में कितना टाइम लगेगा. या सिंपली एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ जाने में हमें 20 टाइम्स करना पड़ रहा है, तो हमारा आंसर भी 2 का 20 टाइम्स आ जाएगा, इट विल बी 40 डेज. That's it, guys. So our answer here is 40 days. Right. Next question, please. Yeah. So a milkman makes 32 liters of water in 48 liters of milk. मतलब क्या हुआ? Milk था 48 liter, उसमें water mix किया 32, मतलब total 80 liter बन गया. फिर उसके बाद ये बोल रहा है इसमें से 30 liter उसने sell कर दिया. तो टोटल बन गया हमारे पास 80 लीटर, इसमें से 30 लीटर सेल कर दिया, तो 30 चला गया, मतलब क्या हुआ? इसी रेशियो में मिल्क और वाटर भी चला गया होगा, राइट. तो कहने से अभी यहाँ रेशियो क्या है? 3:2. तो 18 इससे गया, 12 इससे गया, अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या? 30 मिल्क बचा, 20 वाटर बचा, टोटल सोल्यूशन 50 लीटर है. फिर उसके बाद लिखा हुआ है देन ही अगेन एडेड सम मिल्क एंड वाटर हुज क्वान्टिटी आर इन द रेशियो ऑफ 5:4. तो कोई एक दूसरा सोल्यूशन मिक्स कर रहे हैं जैसे मिल्क और वाटर की क्वान्टिटी का रेशियो क्या है? 5:4 है. तो अब जो है एंड द रिमेनिंग मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर बिकम 7:10. यार इसको हम मिक्सचर से भी सॉल्व कर सकते हैं या सिंपली इक्वेशन बना के कर सकते हैं गाइज. तो सपोज अभी हमारे पास मिल्क 30 है, वाटर 20 है. सपोज हम जो इसमें सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं वो 9x सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं. सो दैट मिल्क ऐड हो रहा है 5x और वाटर ऐड हो रहा है 4x. ऐसा क्यों? क्योंकि रेशियो 5:4 है. तो मैं लाना कितना है अल्टीमेटली, ये कितना बन रहा है? 7/10. इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितना ऐड हो रहा है. गाइस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 300 प्लस 50x इज इक्वल टू 140 प्लस 28x, राइट. नाउ इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, इट इज 22x, राइट. वेट, नाउ द रेशियो ऑफ द वाटर एंड मिल्क. ओ या गाइस दिस इज अ मिस्टेक हियर. वाटर एंड मिल्क लिखा हुआ है, नॉट मिल्क एंड वाटर, राइट.
वाटर एंड मिल्क का रेशियो 7:10 है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, 10:7, राइट। और अच्छा चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 210 + 35x इज इक्वल टू 200 + 40x। एक्स उठा के उधर ले जाओ, 5x की वैल्यू 10 आ गई, मतलब x की वैल्यू आ गई 2, मतलब कितना ऐड कर रहे हैं, 2 लीटर, बेसिकली x की वैल्यू 2 आ रही, मतलब टोटल 18 ऐड कर रहे हैं। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 लिखूं, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेता हूँ, तो ये x की वैल्यू 2 आ गई, तो ये कितना बनेगा, कहने से ये 10 आ गया, ऐड करो इसमें, ये बना 40, 40 मिल्क आ गया। अच्छा इसमें 8 आ गया, ऐड करो 28 आ गया। सो अभी जब मिक्सचर मिक्स करने, दूसरा सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद मिल्क है 40 और वाटर है 28, राइट। फिर नाउ यू सेल 25% ऑफ द मिक्सचर, फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द रेस्ट सॉल्यूशन। कैसे, मिल्क हमारे पास टोटल इतना है, इसमें से पूरे सॉल्यूशन का 25% सेल कर रहा है, मतलब 75% बच रहा है, तो मिल्क कितना बचेगा, कैसे इसका 75%, तो 75% का मतलब होता है 3/4। सो व्हाट इज, यहाँ साइड में सॉल्व कर लेता हूँ, 3/4 ऑफ 40, यू नो दैट आर आंसर इज 30, दैट्स इट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अ मैन स्विमिंग एट 75% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड कैन कवर 128 किलोमीटर इन 8 आवर्स डाउनस्ट्रीम। इन द रिटर्न जर्नी ही स्विम्स एट 50% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड एंड टेक्स 32 आवर्स टू कवर द सेम 128 किलोमीटर। तो जा रहा था डाउनस्ट्रीम विद द फ्लो, वापस आ रहा है अपस्ट्रीम अगेंस्ट द फ्लो। द यूजुअल स्पीड ऑफ द मैन इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, राइट। एक काम करते हैं, सपोज करते हैं यूजुअल स्पीड ऑफ द मैन वॉज एक्स, किलोमीटर पर आर, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इट इज लेट्स से गिवन एज वाई किलोमीटर पर आर। Now, when the man was going at downstream, can I say he was traveling at 75% of his usual speed? So, uski speed kitni thi? 3/4 of x. Downstream ja raha tha, to stream use assist kar rahi thi, uski help kar rahi thi, to overall downstream itni ho jayegi. Tab can I say, wo 128 kilometer jata tha 8 ghante mein, to basically uski speed hogi distance divided by time, 128 by 8 kitna hota hai? 16. Next thing, jab wo upstream aa raha hai, to uski speed kitni hai? x/2, because then he is traveling at 50% of his usual speed, और against the flow है तो minus y आ जाएगा upstream। अभी उससे time कितना लगता है, 32 hours, तो इससे इसको, तो basically distance 128 है, time 32 है, तो ultimately 128 by 32, we got here 4। अच्छा हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x और y के बीच का relation। एक काम कर सकते हैं, ऐड कर देते हैं इन दोनों को, y से y कैंसिल, इन दोनों को ऐड किया, 5/4 टाइम्स x इज इक्वल टू 20, मतलब x की वैल्यू आ गई 16, वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ये पूरा 8 बनेगा, सब्ट्रैक्ट होके 4 आ रहा है, मतलब y की वैल्यू आ गई 4। सवाल में क्या पूछ रहे हैं कि मैन की जो स्पीड है वो इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, कहने से 4 times ज़्यादा, 4 times है, 4 times का मतलब कितना परसेंट ज़्यादा हुआ, 300%, दैट्स इट गाइस। सो आर आंसर इज हियर इज 300%। Let's see the next question. Okay, so अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ approximation वाले सवाल solve करने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, जो हम बड़ी आसानी के साथ solve कर सकते हैं। जैसे अभी जो question number 91 है, अगर मैं इसको लिखूँ, basically हमारे पास है क्या, पहले लिखा है 3027.89, तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3028, right? फिर उसके बाद है plus, कैसे उसके बाद मैं लिख सकता हूं 672, फिर उसके बाद है माइनस 39. उसकी जगह यार सीधा लिख लो 40%, राइट, ऑफ व्हाट, राइट, प्लस उसके बाद है 9.98 की जगह मैंने 10 लिख दिया, उसका क्यूब होता है 1000, राइट, इज इक्वल टू 59.87 की जगह मैंने लिख लिया 60, उसका स्क्वायर होता है 3600, माइनस उसके बाद 4/9.98, मतलब 10,000, उसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 100 होता है, राइट। सो एक बार क्वेश्चन हटा देंगे प्लीज।
ओके लेट्स सी दैट हाउ टू सॉल्व दिस थिंग। कैसे इन दोनों को ऐड किया राइट तो 72 प्लस 2800 बना प्लस ये 3700 आया राइट उसमें 1000 और ऐड किया 3700 में 1000 ऐड और ऐड किया तो ये कितना बना 4700 और यहाँ पे हमारे पास था कितना 3500 था उसको उठा के उधर ले जाओगे तो सब्ट्रैक्ट 1200 आया तो 40% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 1200 तो 40% अगर 1200 है 10% बनेगा 300 और 100% बनेगा 3000 यू नो हाउ टू सॉल्व दिस थिंग। तो एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा देंगे तो यू नो हाउ टू सॉल्व दिस थिंग राइट नाउ दिस थिंग कैन बी डन क्वाइट इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। या तो जरा ये वाला सवाल देखते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या है 127.5 प्लस व्हाट डिवाइडेड बाय 7.98 को मैं लिख ले रहा हूं 8 प्लस नेक्स्ट क्या मैं लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेशन में 25 इंटू 40 राइट यही चीज है ना माइनस समथिंग माइनस क्या है 255.93 को मैं लिख सकता हूं 256 उसका स्क्वायर रूट होता है 16 ओके इज इक्वल टू नेक्स्ट 31.89 को 32 ले लो उसका स्क्वायर होता है 1024 ये चीज आई हमारे पास राइट तो अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करता हूं मैं यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 1000 राइट 1000 से उठा के उधर ले गए तो सब्ट्रैक कर देंगे और ये 16 भी है 1000 उठा के उधर ले गए तो ये 24 बचेगा 16 उधर ऐड हो जाएगा 40 आ जाएगा 40 आ जाएगा तो अल्टीमेटली और बेसिकली हमारे पास बचेगा 127.5 प्लस व्हाट डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 40 इसको उठा के उधर ले जाओ राइट हमारे पास ये क्या बनेगा 320 और क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 320 से ये सब्ट्रैक कर लो तो वैल्यू इज 192.5 अग्रीड। नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। या तो कहने से जो पहला जो नंबर है 1224.96 उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1225 और हमें पता है इसका स्क्वायर रूट 35 होता है प्लस 2024.93 उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2025 फिर लिखा हुआ है 3024. तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3025 माइनस 99. को 100 लिख लिया इज इक्वल टू व्हाट क्यूब ये सवाल है राइट समथिंग इज क्यूब्ड कहने से ये बना 35 ये बना 45 ये बना 55 ये बना 10 ऐड करते हैं इज इक्वल टू व्हाट किसका क्यूब है कहने से इन तीनों को ऐड किया दिस प्लस दिस 80 बना प्लस दिस 135 माइनस 10 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है और आंसर इज 5 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके सो अगेन इस सवाल को भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे कहने से 349.89 की जगह मैं लिख लेता हूँ 350 प्लस उसके बाद नेक्स्ट वाला मैं 2^2.6 अच्छा जो 8 है 8 हमें पता है 2 का क्यूब होता है तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ पावर जो होगी ट्रिपल हो जाएगी अगर 2 की फॉर्म में लिखेंगे ना 1.8 का ट्रिपल क्या होता है 5.4 डिवाइडेड बाय 3.99 की जगह मैं 4 लिख सकता हूँ और 4 का स्क्वायर का मतलब हुआ 16 या मैं 2 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ वहाँ पे अरे यहाँ पे 4 की पावर 2 आया 4 होता है 2 का स्क्वायर तो उस तरह से ऐसे लिख सकते हैं माइनस व्हाट ये हमें पता लगाना है इज इक्वल टू 18.98 उसकी जगह मैं 19 रख लूँ 19 का स्क्वायर अब जरा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे कहने से अब देखते हैं जरा ये आया 350 प्लस बाय द वे मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है पावर को ऐड करो कितना आया 8 और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होती हैं तो 8 से 4 सब्ट्रैक्ट किया पावर बची 4 तो 2 की पावर 4 होता है 16 माइनस व्हाट इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर होता है 361 तो इन दोनों को ऐड करो 366 आया तो कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 361 आ जाए हमारी वैल्यू आ गई 5 आंसर ऑप्शन कौन सा ट्रू है डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। या गाइस अगेन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द सिमिलर वे हियर
राइट कह रहे हैं सर 34.96 जो लिखा हुआ है उसकी जगह मैं डायरेक्टली लिखूंगा 35। नेक्स्ट 39.89 की जगह मैं लिखूंगा 40, उसके बाद प्लस गई स्क्वायर रूट ऑफ 960 है उसकी जगह मैं 961 ले लूंगा, उसका स्क्वायर रूट होता है 31। माइनस 28.96 की जगह 29 ले लूंगा और 29 का स्क्वायर रूट होता है 841। माइनस 49.96 को मैं 50% ले लूं और 50% का मतलब होता है हाफ ऑफ व्हाट इज इक्वल टू गाइस अगला लिखा हुआ है 22.87 उसकी जगह 23 ले लिया मैंने और उसका स्क्वायर कर दिया, वी गॉट हियर 529। राइट सो दैट्स हाउ वी कैन डू इट। सॉल्व कर लेते हैं जरा, 35 × 40 1400 आता है। राइट उसमें से इतना और ऐड किया तो ये बना 1431, उससे इतना सब्ट्रैक्ट किया। राइट 1431 से इतना सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा, अगर 1441 होता 600 आता, 31 है 590 आएगा, 590 उठा के उस तरफ ले जाओ तो माइनस का कितना बचेगा 61 और हाफ लगा हुआ है तो हाफ ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 61 तो इसकी जगह क्या आएगा 122 आएगा। दैट्स इट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस अब यहाँ पे वी नीड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। राइट लेट जस्ट थिंक अबाउट इट, क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू। राइट जैसे पहले एक्स वाई का कंपैरिजन था, सिमिलर चीज है। तो 96 नंबर क्वेश्चन जो है, इन अ टू डिजिट नंबर द डिजिट एट यूनिट प्लेस एक्सीड द डिजिट एट टेंथ प्लेस बाय 2। ओके तो ये 2 से बड़ा हो रहा है, मतलब यूनिट प्लेस का डिजिट जो है वो टेंथ प्लेस के डिजिट से 2 से बड़ा है। राइट मतलब फॉर एग्जाम्पल इस तरह के नंबर 13, 24, 35, समथिंग लाइक दिस, राइट एंड सो ऑन। राइट फिर उसके बाद एंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर विद द सम ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू 144। तो जरा इससे पता लगाते हैं कि क्या हम नंबर निकाल सकते हैं या नहीं, क्योंकि क्वांटिटी वन क्या है वैल्यू ऑफ दैट टू डिजिट नंबर, क्वांटिटी टू क्या है 26। तो कहने से इसमें सम ऑफ डिजिट क्या हुआ 4, मल्टीप्लाई करो 52 आया, हमें लाना कितना था 144। तो ना कहने से 24 × सम ऑफ डिजिट 6 किया तो ये 144 आया, तो यस परफेक्टली फाइन। बट अभी मैं हो सकता है एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो, तो अगर आगे जाऊँ मैं 3 + 5 अगर मैं करूँ तो 8 आया, तो कहने से 35 × 8 होता है 280। ये तो बड़ा आ गया, इसके बाद डिजिट बड़े होते जाएंगे तो नंबर बड़ा होता जाएगा, सम ऑफ डिजिट बड़ा होता जाएगा, हर बार इससे बड़ी वैल्यू आती जाएगी, कहीं और 144 मिलेगा ही नहीं। तुम्हारा जो नंबर है, नंबर इज 24, तो क्वांटिटी 1 इज 24, क्वांटिटी 2 इज 26, हमारा क्या आंसर है 1 इज ग्रेटर देन 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। या इस सवाल को देखते हैं जरा, so we need to find out the number of days after which A and B will meet and A and B set out to meet each other, इनके बीच का gap 165 किलोमीटर है। अच्छा A का pattern क्या है, A पहले दिन में 15 किलोमीटर travel करता है, फिर 14, फिर 13, फिर 12 and so on, right, फिर 11, something like that। उसके बाद B के साथ में क्या हो रहा है, B travels first day 10, सेकेंड डे 12, थर्ड डे 14, देन कैन आई से एंड सो ऑन 16, 18, समथिंग लाइक दैट। एनीवे थोड़ा इस बारे में ये सोचते हैं, तो कैन आई से दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से शुरू हो रहे हैं, 165 किलोमीटर मिल के ट्रैवल करना है, तो दोनों मिल के पर डे कितना ट्रैवल करते हैं, सो पर डे दोनों मिल के कितना ट्रैवल करते हैं। कैन आई से हियर फर्स्ट डे इन्होंने 25 किया, सेकेंड डे 26 किया, थर्ड डे 27 किया, फोर्थ डे 28 किया। राइट तो अब जरा देख लेते हैं, हमें ऐड करके टोटल कहाँ तक पहुँचना है 165 तक। अगर इन सारे नंबर्स को ऐड करूँ 25-26 के आसपास, उसका 4 गुना 100, 110 के आसपास होगा, अभी तक नहीं पहुँचेंगे। नेक्स्ट डे और देख लिया 29, तो कहने से डेली एक एक बढ़ता जा रहा है। इन सब का अगर समेशन चेक किया जाए तो कहने से ये पाँचों नंबर में मेरे लिए है सम होगा दिस इंटू 5 135, मतलब नेक्स्ट डे 30 किलोमीटर और ट्रैवल कर दिया, तो अब ये सारे ऐड होके कितना बना
165 ना, तो कितने दिन बाद ए और बी मिलेंगे? आंसर इज 6 डेज, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग, दिस इज क्वांटिटी नंबर वन। सेकेंड है, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ होल वर्क इफ ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड एंड बी लेफ्ट 2 डेज आफ्टर ए हैड लेफ्ट। अच्छा एक काम करते हैं, हम टोटल वर्क को एज्यूम करेंगे 10, 12 और 15 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या ले लें? 10, 12, 15 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? 60। सो व्हाट आई विल डू, आई विल एज्यूम टोटल वर्क टू बी 60। अच्छा अब इन सब की एफिशिएंसी देख लेते हैं। ए जो है, ए 10 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 6 यूनिट। बी 5 यूनिट और सी 4 यूनिट, राइट। अब अगर मैं एक टाइमलाइन बनाऊं कि ये कैसे काम कर रहे हैं, राइट, तो एक बार क्वेश्चन हटा देंगे प्लीज, अब अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं कि ये कैसे काम कर रहे हैं, ये स्टार्ट ऑफ द वर्क है, ये कंप्लीशन ऑफ द वर्क है, कुछ दिनों तक ये तीनों एक साथ काम करते रहे, राइट। फिर कहने से वर्क खत्म होने के 5 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, उसके 2 दिन बाद बी छोड़ के चला गया, मतलब आखिरी के 3 दिन, लास्ट 3 डेज कैन आई से सी वर्कड अलोन, एंड 2 डेज बिफोर दैट बी एंड सी वर्कड बट नॉट ए। तुम जरा ये पता लगा सकते हैं यहाँ कितने दिन होंगे? हमें पता है टोटल काम जो हमें करना है वो 60 यूनिट है। सी एक दिन में 4 यूनिट करता है, 3 दिन में सी ने पक्का 12 यूनिट किया होगा। बी और सी एक दिन में मिलके 9 यूनिट करते हैं तो 2 दिन में मिलके पक्का 18 यूनिट किया होगा। अच्छा यहाँ पे 12 प्लस 18 कितना हुआ? 30। तो इन दोनों ने मिलके काम 30 यूनिट यहाँ किया हुआ है, टोटल वर्क 60 यूनिट अगर हम लेके चल रहे हैं तो इन तीनों ने मिलके बचा हुआ 30 यूनिट यहाँ किया हुआ है, और तीनों मिलके एक दिन में करते कितना है? इन तीनों का सम कितना है? 15। मतलब 2 दिन और काम किया होगा यहाँ पे ना। इन तीनों का सम 15 आ रहा है, मतलब 2 दिन इन्होंने और काम किया होगा, राइट। तो अग्री इन सिंपल टर्म्स क्या मैं ये बोल सकता हूँ टोटल काम खत्म होने में कितना टाइम लगा? 2 + 2 + 3 अल्टीमेटली 7 डेज। पूरा टाइम पीरियड इज 7 डेज, राइट। तो इफ पूरा का पूरा टाइम पीरियड इज 7 डेज, राइट, तो कहने से क्वांटिटी वन ये है, क्वांटिटी टू ये है, मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी वन छोटी है क्वांटिटी टू से, राइट। अगला सवाल प्लीज। या गाइस देखते हैं जरा सवाल को, पढ़िए आप लोग। सो बेसिकली हो क्या रहा है यहां पे? प्रेजेंट एज ऑफ रैंडी, If 10 years are subtracted from the age of Randy, then you would get 12 times the age of his grandson. और grandson जो है वो 19 साल छोटा है सुंदर से, सुंदर की एज 24 साल है, तो grandson की एज 24 माइनस 19 कितनी हुई? 5 साल हुई। तो Randy की जो एज होगी वो होगी grandson की एज 5 साल है इंटू 12 प्लस 10, रिवर्स कर लेते हैं, क्योंकि Randy की एज से 10 साल कम करो तो आ रहा है grandson की एज का 12 टाइम्स। तो Randy की एज निकालने के लिए क्या करें? 5 × 12 + 10, तो 5 × 12 = 60 बना, +10 = 70। नेक्स्ट थिंग, सेकेंड क्वांटिटी है, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग पर्सन इन अ ग्रुप, इफ द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 14 पर्सन इज 27 years 9 months। तो अभी एवरेज, ये फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट क्वांटिटी इज 70, सेकेंड क्वांटिटी देख लेते हैं। कहने से पुराना एवरेज था 27 years and 9 months, इनमें से 2 पर्सन चले गए, जिनका 2 पर्सन अगर चले गए तो जिन 2 पर्सन निकल गए जिनकी एज 32 थी, तो कहने से अगर 32 वाले लोग जा रहे हैं आउट ऑफ दिस तो एवरेज गिरेगा ना। अगर इतनी एज वाले एवरेज के बराबर वाले पर्सन जा रहे होते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 42 वाले आ रहे हैं तो एवरेज तो पक्का गिरेगा। मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू मस्ट बी लेस देन 27 years and 9 months। तो कहने से कुछ भी हो जाए क्वांटिटी सेकंड जो होगी वो पक्का छोटी होगी क्वांटिटी वन से, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये 70 है, सेकंड क्वांटिटी इससे भी छोटी आएगी तो पहली क्वांटिटी बड़ी है सेकंड से। अग्रीड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
ओके सो क्वांटिटी वन, परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर इफ एट द टाइम ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग ही यूजेस वेट्स 10% लेस एंड 20% मोर पर किलोग्राम रिस्पेक्टिवली एंड प्रोफेसेस टू सेल ऑल गुड्स एट 5% प्रॉफिट. हम ये कर चुके हैं इस तरह का चीटिंग वाले या डिसऑनेस्ट मर्चेंट वाले सवाल, राइट. तो परसेंटेज प्रॉफिट अगर हमें कहीं पे भी निकालना है, व्हाट डू? वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सेल्स टू कॉस्ट. तो पहले वाले सिनेरियो में सेल्स टू कॉस्ट रेशियो क्या होगा? जब वो बाय कर रहा है, जब वो सेल कर रहा है, तो 10% लेस दे रहा है, राइट. मतलब क्या हुआ? कस्टमर आ रहा है 100 रुपीज का सामान लेने या 100 kg लेने, तो शॉपकीपर उसे केवल 90 दे रहा है, राइट. कस्टम और वेट, बेसिकली आई विल राइट इट लाइक दिस. आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सेल्स टू कॉस्ट. तो व्हेन कस्टमर इज कमिंग टू बाय गुड्स और स्टफ वर्थ 100 kg और 100 rupees, तो कहने से शॉपकीपर उसे 10% कम दे रहा है, मतलब केवल 90 पार्ट दे रहा है. फिर उसके बाद जब शॉपकीपर बाय कर रहा था, तो वो कितना एक्स्ट्रा ले रहा था? 20% मोर ले रहा था. मतलब जब शॉपकीपर अपने बायर को 100 rupees दे रहा है, उसे सामान ले रहा है 120 rupees का. तो पहला अर्निंग का सोर्स ये है, दूसरा ये. उसके अलावा ये भी है कि वो 5% बढ़ा भी रहा है. ही प्रोफेसेस टू सेल द गुड्स एट 5% प्रॉफिट. तो तब कहने से कस्टमर, अगर उसकी कॉस्ट 100 rupees है, तो सेल्स कितनी है? 105. तो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन सिंपली फाइंड आउट द रेशियो एंड ऑल. 100 कैंसिल, इन दोनों कैंसिल किया, 30 से 3 आया, 4 आया, राइट. 5 से डिवाइड कर दिया, आप एक काम कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर लो, ये 35 आया. सो अल्टीमेटली 35 × 4 हमारे पास बना 140 डिवाइडेड बाई 100. तो कॉस्ट अगर 100 rupees है, सेल्स 140 है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 40% प्रॉफिट. तो ये हमारी हो गई क्वांटिटी नंबर 1. नाउ सेकेंड क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं. लिखा हुआ है अ बुक वॉज सोल्ड फॉर अ सर्टेन सम एंड देन देर वॉज अ लॉस ऑफ 20%, राइट. तो मैंने एक काम किया, मैंने एज्यूम कर लिया बुक की जो CP है दैट इज 100x. अब अगर उसे 20% लॉस पे बेच रहे हैं, मतलब उसे बेच रहे हैं 80x पे. फिर अगर उसे 12 rupees मोर पे बेचते, तो SP 12 rupees से और बढ़ा देते, तो प्रॉफिट होता 30% का. तब SP कितना जाता है? 30% प्रॉफिट हो जाता है, मतलब 130x. यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ? 50x की वैल्यू 12 है, मतलब 100x की वैल्यू 24 है. तो कॉस्ट कितनी आ गई? 24. नाउ अब यहाँ पे x क्या है? इज द प्रॉफिट परसेंटेज इफ द बुक वॉज सोल्ड फॉर 4.8 rupees मोर. अच्छा, बाय द वे अभी सेल कितने पे हो रही? 80x पे, प्लस 4.8 पे मोर, तब टोटल सेल्स इतनी आ जाएगी, टोटल SP इतनी आ जाएगी ना. बाय द वे 50x की वैल्यू 12 है, 80x होगा इसका 80%. इसका 80% अगर हमें निकालना है, तो आराम से हम निकाल सकते हैं, या 4/5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 19.2 प्लस 4.8. इन अदर वर्ड, क्या मैं बोल सकता हूँ अब जो SP आ रही है उससे 4.8 rupees मोर पे सेल कर रहे हैं, तो ओवरऑल 24 rupees पे सेल कर रहे हैं. बाय 24 पे करी थी, सेल 24 पे करी थी, तो क्वांटिटी सेकेंड प्रॉफिट कितना हो रहा है? 0%. कौन सी वैल्यू बड़ी है, फर्स्ट या सेकेंड? आर आंसर इज फर्स्ट. तो पहली क्वांटिटी बड़ी है सेकेंड से. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक, राइट, ऑफ DI एंड क्वांट एरिया बेसिकली, राइट. देखते हैं जरा. अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 कपल्स इन विच ईच ऑफ द 4 मेंबर्स हैव 4 पर्सन्स हैव 1 वाइफ बेसिकली, एंड दैट वाज सफिशिएंट. अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 कपल्स, दैट्स इट. तो 4 हस्बैंड हैं, 4 वाइफ्स हैं. पहली क्वांटिटी है द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कुड बी अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट मैन एंड वीमेन ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट प्लेसेस. तो देखते हैं जरा, कहने से कुछ इस तरह का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो सपोज करते हैं कि यहाँ मैन आ रहे हैं, इन 4 जगह मैन आ रहे हैं और अदर 4 जगह वीमेन आ रही हैं. तो इन 4 प्लेसेस पे मैन को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 4 factorial. अदर 4 प्लेसेस पे वीमेन को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 4 factorial. बट एक बात बताओ, यहाँ मैंने मेन को ऑड नंबर वाले प्लेस पे रखा था, इवन वाले में ही तो रख सकते थे. तो आर आंसर विल बी डबल ऑफ दैट, इन अदर वर्ड 1152. अग्रीड. नाउ द नेक्स्ट पार्ट,
सेकेंड वन लिखा हुआ है एट टाइम द नंबर ऑफ वेज इन विच दे बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट मैन एंड वीमेन ऑक्यूपाई द ऑल्टरनेट प्लेसेस. अच्छा, सर्कुलर टेबल में टोटल आठ प्लेसेस हैं, बट अगर मैं पहले चार मेन को बैठा लूँ, कैन आई से इनिशियली ऑल द प्लेसेस आर आइडेंटिकल. तो जब चार मेन, अगर वीमेन नहीं बैठी हैं, तो फोर मेन ऑल्टरनेट प्लेसेस पे, बेसिकली ऑल्टरनेट प्लेसेस वाली सीट्स मार्क कर दी, राइट, समथिंग लाइक दिस, वन टू थ्री फोर. तो इन चार सीट पे चार मेन कितने वेज में बैठ सकते हैं, हमें पता है एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है, ये आ गया थ्री फैक्टोरियल, राइट. नाउ कैन आई से ये जो बीच में गैप्स हैं, जो फोर सीट्स हैं, अब सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी हो गई, तो फोर वीमेन कैन सिट इन फोर फैक्टोरियल वेज. नाउ वन मोर थिंग गाइज, हियर इसका एट टाइम्स हमें लेना है, नंबर ऑफ वेज ये हुए, अब जो क्वांटिटी टू है वो इसका एट टाइम्स है, तो थ्री फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल इंटू एट. सो सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर वन फोर्टी फोर इंटू एट, फिर से हमारा आया कितना, वन वन फाइव टू. तो ये दोनों सेम है, तो क्वांटिटी वन इज इक्वल टू क्वांटिटी टू, दैट्स इट. सो गाइज, ये थे सवाल हमारे क्वांटेंट डी आई एरिया के. सो होपफुली सारे डाउट्स क्लियर हो गए, सब हो गया है. सो हैव अ ग्रेट डे गाइज, बाय बाय.